गुड मॉर्निंग एवरीवन. कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो गया, जैसे रवि को देख रहा हूँ पीछे से आगे की तरफ आ गए हैं ये. ठीक है, लगता है तीसरे मोर्चे पे अब ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अभी दो ही मोर्चे पे ध्यान रखना चाहते हैं. थर्ड फ्रंट बना रहे थे ये, है ना. तो हम लोग अब एक आज फिर एक नई शुरुआत होगी, है ना. और वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, है ना. अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है कि एकदम से कहाँ हम लोग राष्ट्रवाद और आज़ादी की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम आदिम युग की बात करेंगे हम. ठीक है, कैसे सोसाइटी इवॉल्व की, हम दुनिया में कैसे आए, ये तो नहीं बता पाऊंगा हम दुनिया में कैसे आए. बट भारत में प्रारंभिक मानवों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कौन से टॉपिक है, कैसे पढ़ना है हमें, है ना. है बहुत मज़ेदार हिस्सा ये भी. हमारे साथ एक और सौरभ जी के साथ साथ एक आदित्य भाई भी जुड़े हुए हैं, तो गुड मॉर्निंग आदित्य भाई को भी कर दिया जाए, है ना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, विवेक, मंजरी, नारायण, भरत, कमल, ये सब लोग देख रहे हैं हम स्क्रीन पे भी. ठीक है, तो एक सबसे पहले जो रूल था हमारा कि कोई भी चीज़ हम पढ़ें तो पहले सिलेबस को समझें थोड़ा. ठीक है, पहला रूल है ना. और फिर उसके साथ साथ क्या कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, आधे घंटे के आसपास सब बातचीत होगी, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे. हम ज़्यादा बातचीत तो कुछ करनी है नहीं, क्योंकि हम आप अच्छे खासे फैमिलियर हो चुके हैं, है ना. शुरू में जब फैमिलियर नहीं होते तो बहुत सारी बातें इनफैक्ट तैयारी को लेके भी बतानी पड़ती है, क्या ध्यान रखना है. जैसे एक मंत्र कभी छोड़ा ही नहीं हमने, कि राइटिंग करनी है आपको. कोई तो कभी जगेगा, कुछ पहले से जगता है, कुछ थोड़े बाद में जगते हैं, कुछ थोड़े बाद में जगते हैं, जगेंगे लोग, लेकिन डिसीजन तो उसी से होना है, उसी से होना है. और राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मॉडर्न इंडिया में इतना ऐसा इशू नहीं है, थोड़ा मज़ेदार भी लगता है. हालांकि उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है मॉडर्न इंडिया में, एंशिएंट मेडिवल की तुलना में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. एंशिएंट वगैरह में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है, बट चूंकि थोड़ी अतीत की बातें हो जाती हैं तो कई बार जुड़ने में थोड़ा सा घंटा दो घंटा टाइम लगता है इसमें. टॉपिक कुछ ऐसा है कि हमारा ब्लू से ही लेते हैं इसको, कि प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री हम पीटी वाले एग्जाम की बात करें, लगभग अभी जो हिसाब किताब चल रहा है इसका वो अराउंड 20 क्वेश्चंस का चल रहा है. ये मैं मान के चलता हूं कि 15 प्लस तो हमेशा, 15 के आसपास तो हमेशा रहेंगे ये क्वेश्चन, बट अभी अराउंड 20 का चल रहा है लास्ट 3 इयर्स से. और जो पिछले नौ साल में जो सिलेबस चेंज हुए हैं, 9 साल के ट्रेंड को देखें हम, उसमें भी और भी 2 बार ऐसा हुआ कि 20 क्या, मतलब 9 साल में 5 बार ऐसा हुआ है कि 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए. तो 100 में 20 प्रश्न तो बहुत मायने रखते हैं. समझ में आ रही बात सभी को ना, 100 में 20 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एग्जाम निकालना हो तो मैं हमेशा ये बात गाइड करता हूं कि पहली बार में स्ट्रेटजी मत बनाओ, पहली बार में पूरे सिलेबस को कवर करो एकदम डिसिप्लिन तरीके से. ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर करो, आप वैसे ही रेंज में आ जाओगे. एग्जाम जो क्वालिफाई करने का रेंज होता है उसमें आ जाओगे आप. हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए भटकते रहते हैं हम, कि और थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है. ये पूरी तरह से आयोग के हाथ में, कि वो क्या कब कैसे डिसाइड करेगी. वो अभी इसमें जैसे सिलेबस जो पीटी का है बहुत क्लियर है, वो है भारत का इतिहास. ठीक है, सिलेबस जो पीटी का है वो है भारत का इतिहास, क्लियर. और राष्ट्रीय आंदोलन, अब तो राष्ट्रीय आंदोलन पे कुछ बात हमें करनी नहीं है, है ना. राष्ट्रीय आंदोलन की तो बात हो गई, मॉडर्न इंडिया का हिस्सा था वो, है ना. भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया गया था कि 3 इसके हमारे एस्पेक्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री एंड आधुनिक भारत. इस 20 प्रश्न में से या 15 प्रश्न में से किससे कितने पूछे जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है. पिछले
2 वर्ष और पिछले 3 वर्ष मान लो आप, 3 वर्ष के ट्रेंड को छोड़ दो, तो यदि 15 प्रश्न पूछे जाते थे, पुराना ट्रेंड मैं बता रहा हूं आपको, ओल्ड ट्रेंड है ना, तो यदि 15 प्रश्न पूछे जाते थे तो लगभग मान के चलो 9 से 10 प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते थे। यदि लगभग 15 मान लिया हमने तो, ठीक है, 3 साल के पहले जितना भी ट्रेंड उठा के देख लो आप, 7-8 साल ही नहीं पीछे के भी ट्रेंड उठा के देखोगे आप, तो मॉडर्न इंडिया के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसलिए एस्टैब्लिश हो गया था कि मॉडर्न इंडिया पढ़ लो तो फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछने के ऊपर है, यूपीएससी अभी भी पूछ सकती है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंस ज्यादा है भी हमारे लाइफ में किसी भी एंशिएंट मेडिवल की तुलना में, चूंकि सबसे करीब है ना हमारे, वो सारी पॉलिसी सारे सिस्टम हमारे मॉडर्न एरा में ही तो बन रहे हैं सब। और पुराने ट्रेंड में मेडिवल हिस्ट्री में अराउंड 3 क्वेश्चंस और यहां पे 1-2 क्वेश्चंस की संभावना रहती थी, एंशिएंट में 3 क्वेश्चंस और 1-2 क्वेश्चंस की संभावना रहती थी। अभी जो न्यू ट्रेंड चला है, जो नया ट्रेंड चला है, ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया गया है, जैसे 6-7 प्रश्न यहां, 5-6 कुछ प्रश्न यहां, और वैसे ही मान लो आप 6-7 प्रश्न यहां। ये पिछले 3 वर्षों में हुआ है। और जैसे कभी मेडिवल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इधर से 5 थे, अभी इधर से 7-8 पूछ लिए गए तो इधर से 5 थे। इसका कोई मतलब नहीं होता है गिनती का कि इधर से ज्यादा है कम है, कोई तराजू लेके तो बैठे नहीं है हम कि तोला जाए भैया, ठीक है ना। ये बस जानने के लिए है कि जब यूपीएससी सिलेबस कहती है भारत का इतिहास, तो अब वो भारत के इतिहास से ही पूछती है। पहले वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछती थी, भारत का इतिहास कह के भी। एक बात यही जानना है इसमें आपको, दूसरा क्या जानना है कि कोई रूल है नहीं। आप इस तरह की गलती मत करिएगा कि ये हमें पसंद आया तो इसको हमने ज्यादा पढ़ लिया, पसंद नहीं आया तो हमने नहीं पढ़ा। आपको एक ही चीज पसंद आना चाहिए कि आपको आईएएस बनना है, और जो जो चीज आपको परेशान ज्यादा कर रहा है, समझने में कठिनाई ज्यादा कर रही है, आप ये सोचिए कि मुझे इसका मास्टर बनना है। मास्टर बनने का मतलब यहां नहीं, मतलब कोई पूछे तो मैं उसको समझाने की स्थिति में आ जाऊं। एक और छोटा सा मंत्र है इस एग्जाम का कि जो जो चीज आपको चैलेंज करे और वो रेलिवेंट है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसी समझ बनाइए आप कि अपने किसी सहपाठी को, किसी मित्र को, या कोई पूछे तो थोड़ा बहुत आप बताने की स्थिति में भी जो अच्छा है, कंफर्ट है उससे, तो ठीक है ना, वो तो आपका है ही। समझ में आ रही बात? किसी भी, मतलब मैं जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तमाम तरह की बातें मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन अपनी ऊर्जा से तो काम करना ही है हमें, है ना। तो एक तो ये थोड़ा सा समझने के लिए हो गया कि भाई चलो यूपीएससी के हाथ में सब कुछ है, पढ़ना उतना ही है पीटी के लिए जितना हमने मॉडर्न इंडिया में एफर्ट डाला है, एफर्ट में कमी नहीं रखनी। दूसरा पुराना ट्रेंड क्या था कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे 5-7 पहले, ओल्ड ट्रेंड में जो पुराना ट्रेंड था, उसमें क्या होता था, जो भी क्वेश्चन होते थे ज्यादातर क्वेश्चन या तो कला, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, कला यानी स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि से पूछे जाते थे, ठीक है। पहले जो ये 5-7 प्रश्न पूछे जाते थे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है, उसमें वो जो 5 प्रश्न पूछे जाते थे, बहुत चांसेस होते थे कि 4 या 5 प्रश्न इसी से होंगे। तो आप कभी सुनते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री कर लो और कल्चरल हिस्ट्री कर लो तो बात बन जाएगी, कभी ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है ना। अब टाइम आ गया उसे समझने का भी कि ऐसा क्यों सुना है हमने। इसका महत्व अभी भी है, जैसे मान लो इन दोनों को मिला के 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके चांसेस हैं कि अभी भी इससे 5-7-6 प्रश्न पूछे जाएं, बट
एक जो बड़ा बदलाव दिखा है कि 3 से 4 प्रश्न राजनीतिक इतिहास से पूछे जाने लगे हैं, जो लगभग एकदम से यूपीएससी की तरफ से उसको प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया था एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, पुरानी बातें जो चलती थी वो क्या चलती थी, आधुनिक भारत पढ़ लो और कल्चरल हिस्ट्री पढ़ लो, तो बाकी कुछ प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ने की, यही सिलेबस मेंस का भी था तो लोग बाकी से बच जाते थे। 3 साल में यूपीएससी ने बहुतों को झटका दिया है, क्योंकि देखो जो 14-12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से ना, सारे नहीं बनते हैं लेकिन कुछ तो बनने योग्य होते ही है ना, 5, 7, 8। यहां तो 0.33 नंबर पे, 0.66 नंबर पे लोग अंदर हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। अपने विजन आईएएस के एक स्टूडेंट रही हैं पंकज यादव, अभी असम कैडर में आईपीएस हैं, वो हरियाणा के रहने वाली पंकज, हिस्ट्री ऑप्शनल में मेरी स्टूडेंट भी रही थी जब हम पढ़ाते थे ऑप्शनल, है ना। अभी जिस साल सिलेक्शन हुआ था पंकज का, उस साल प्रीलिम्स में 0.66 मार्क्स से पीटी हुआ था उसका, उसके पहले 2 इंटरव्यू दे चुकी थी वो, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू फेस की थी वो, एक इंटरव्यू दे चुकी थी, फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ उसका, क्योंकि चीजों को उस तरह से क्रैम, ठीक है, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ उसका बैक टू बैक। पहली बार जब राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही जैसे बताते हैं आपको, मैंने कहा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में पीटी निकला तो इंटरव्यू दोगे, दी भी इंटरव्यू वो, फिर 2 बैक टू बैक पीटी नहीं निकला उसका। फिर जब सिलेक्शन हुआ भी उसका, ठीक है ना, तो 0.66 मार्क्स से अगली बार इंप्रूवमेंट देना था, फिर पीटी नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर जॉब की आपाधापी में, अब तो उधर ईस्टर्न असम की तरफ, लोअर ईस्टर्न असम की तरफ, कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे ध्यान नहीं वहां पे इस समय पोस्टिंग है उसकी। छोटी सी बात, इंपॉर्टेंस है ना, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, चाहे आपको फिजिक्स से मिले, केमिस्ट्री से मिले, जो बनने योग्य है वो तो बनाएंगे ना हम। इसलिए मैंने पहले कह दिया हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो कहा कि सबका चॉइस आपका है भाई, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना है हमें, जो बनने योग्य आसानी से सवाल है वो कहीं से भी बने, ये नहीं कि वो हिस्ट्री से ही बने और पॉलिटी से ही बने। हमें जिद तो करनी कि हर जगह से बनाएंगे हम जिद करेंगे तो कुछ क्वेश्चन जिद के बाहर भी जाएंगे, बाकी रेंज में भी रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो ना, एक मास लेवल पे स्टूडेंट, मतलब क्लास में भी, जैसे अपने विजन में भी, मैं पढ़ा 17 से शुरू हुआ हमारा बैच, हमने पढ़ाया, मैं कह भी रहा हूं तो अब बच्चे क्या होते हैं, आसपास संपर्क में रहते हैं कुछ कुछ लोगों के, मतलब अब धीरे धीरे वो भी ऑरा खत्म हो गया लोगों का, अब ठीक है, अब ज्यादा वो भटकते नहीं है अब, अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सर कह रहे तो क्या तुम, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस आया तो इतना तेज झटका लगा लोगों को, उसी में जो थोड़े स्मार्ट थे, हमने कहा जितना क्लास में करा रहा हूं उतना ही पढ़ लो ना, इसमें भी 7-8 सवाल आए थे, 5 सवाल क्लास नोट से थे, जिन लोगों ने पढ़ा वो बाहर निकल गए, क्योंकि मास लेवल पे लोग नहीं पढ़ते थे। अगली बार लोगों को लगा गलती से ऐसा ट्रेंड रहा होगा, फिर ऐसा ही हो गया, एंशिएंट मिडिवल से क्वेश्चंस फिर रिपीट हो गए, तब लोगों ने माना कि हाँ ये ट्रेंड है। जब तीसरी बार क्वेश्चन तसल्ली से आ गए हैं ना, तो अब ये चर्चा शुरू हो गई कि नहीं एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ने की कोई चीज है, बाहर हो जाएंगे आप। 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 50% का रेशियो 12 पूछे जा रहे हैं, तो 6 तो बनाएंगे हम निगेटिव हटा करके, इतना कहाँ एडवांटेज होता है इस तरह के एग्जाम में जहां, ठीक है, कि हम चीजों को बेहतर कर पाए। इसलिए पूरी तरह से मन में रखिएगा, जैसे हमने मॉडर्न पढ़ा है वैसे हमें एंशिएंट मिडिवल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मेंस भी है। पीटी का तो बात क्लियर हो गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया दिया आपको पुरानी और नई बातें, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो थोड़ा बहुत ट्रेंड आप भी देखोगे, है ना। तो 2 बातें आपको बताई, अब इक्वली इंपॉर्टेंस है, गेस नहीं करना है, ये जहां पढ़ते हो वहां लिख के रख देना, पूरे सिलेबस पे इक्वली ध्यान देना है भी, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो। फिर हम चूजी होते हैं थोड़ा बहुत, चलो किसी का नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा करेंगे, किसी का कम करेंगे, छोड़ते नहीं है, रिविजन में फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन हर एक साल आता था तो उसमें डेप्थ में जाइए, लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है तो डेप्थ में जाइए, थोड़ा बढ़ाइए उसका दायरा, ये ट्रेंड होता है, ना कि हम छोड़ देंगे हम। आइए और आगे बात करते हैं, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का,
वो लिखा हुआ है साफ साफ, संस्कृति एवं विरासत, ठीक है, संस्कृति एवं विरासत प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्राचीन काल की संस्कृति एवं विरासत, मध्य काल की संस्कृति एवं विरासत और आधुनिक काल की संस्कृति एवं विरासत। मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। पेपर वन में जो शुरू के आपके एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन या चार चार तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर वन में, वो शुरू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या 250 वर्ड्स में भी शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से होते हैं। इस बार तो कम ही पूछा गया, ऐसे देखा जाए तो दो क्वेश्चन है, वैसे एक भी कह सकते हो आप उसे। इस बार की बात करें हम, जस्ट इसके पहले जो मेंस हुआ था चार क्वेश्चंस, एकदम छह क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस बहुत प्रेम से यहां से, उसके बाद तो फिर पूछो ही मत। जब वैसे पढ़ने की आदत नहीं है और छह में चार क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो कटअप 734 से ज्यादा तो जाना भी नहीं था। ये जो 734 कटअप गया उसमें कल्चर ने भी अपना रोल प्ले किया है, सबसे लोएस्ट कटअप जो गया यूपीएससी का मेंस में। समझ में नहीं आ रहा लोग तो लिखेंगे क्या वहां पे, तो फिर जब कोई नहीं लिखेगा तो नंबर वैसे नीचे जाना है, मतलब कोई टूटता फूटता इधर उधर करके लिख देगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्या हमने बताया आपको, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। अभी हम मध्य काल को छोड़ते हैं, आधुनिक काल को छोड़ते हैं। आधुनिक काल पे जो बात हुई है कुछ बात अभी हम और करेंगे, करीब करीब एक क्लास आपसे और करेंगे हम। जैसे हमने जो एजुकेशन आपको बताया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बताया, वो कल्चर का पार्ट था, उसको हम कह सकते हैं आधुनिक भारतीय कल्चर। थोड़ा आर्किटेक्चर, पेंटिंग और रंगमंच, ये सब भी एक क्लास में आपको मैं बताऊंगा अभी इसी के साथ साथ लास्ट वाली क्लास में, वो भी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होगा। तो उसको छोड़ते हैं, मेडिवल इंडिया जब शुरू करेंगे तब बात करेंगे, फिलहाल एंसेंट की बात करते हैं। प्राचीन कालीन संस्कृति एवं विरासत की हम बात करें तो प्राचीन काल में हम 10 ब्रॉड टॉपिक हैं हमारे, जिसमें 8 इंपॉर्टेंट हैं, 2 न के बराबर उसका महत्व है। पूरे प्राचीन काल में हम बात करें तो जैसे पाषाण काल, जहां से अभी शुरू करने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में, स्टोन एज एक टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण नाम है टॉपिक का, ठीक है। इसके बाद वैदिक संस्कृति, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं आप लोग इसको, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इसके बाद बुद्ध काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, आफ्टर दैट गुप्त काल, नीचे वाला शायद आपको दिखाई ना पड़े तो मैं बोलता जा रहा हूं, मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता, और जो आखिरी टॉपिक इसमें होगा वो आप लिख लीजिएगा, दिखाई शायद ना पड़े आपको या दिख जाए तो अच्छी बात है, पूर्व मध्य काल, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड, पूर्व मध्य काल। मैं ऊपर से एक बार क्रम बोल दे रहा हूं पूरा, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, वैदिक संस्कृति, बुद्ध काल, ठीक है, ठीक जा रहा है सभी का ना, मौर्य काल,
मौर्योत्तर काल, ठीक है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, ठीक है। तो जैसे हमने कहा हमें संस्कृति एवं विरासत पढ़नी है, तो प्राचीन भारत की संस्कृति और विरासत में क्या पढ़नी है हमें, मेंस के हिसाब से बात करें हम, तो ये 10 टॉपिक। भारत का इतिहास हमें पढ़ना है तो प्राचीन भारत में हमें क्या पढ़ना है, तो यही 10 टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है समझने के लिए मैं बताऊं, जैसे आपका मान लो वैदिक संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, ऊपर का थोड़ा ट्रेंड अलग है, वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में wants to preview, got it, क्या करना है भाई, यहाँ पे इसको, ये बोर्ड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं भी अपने आप को आदिम ही मानता हूँ, प्रिमिटिव मानता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा लगेगा बड़ा अजीब सा कि हमें नहीं पता कि फेसबुक क्या होता है, ठीक है ना, मतलब ट्विटर भी क्या होता है, हमने आज तक लाइफ में एक भी मेल नहीं किए, कभी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया, पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे ही ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइफ में स्मार्ट बोर्ड ही ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उतना तो स्मार्ट है कि बोर्ड ऑपरेट कर लेंगे धीरे धीरे हम, है ना, ठीक है। अभी भी पुराने तरीके से चलता हूँ, 10-20 नंबर याद रहते हैं फोन नंबर हमें, ठीक है, मतलब फोन देखना नहीं पड़ता है हमें, है ना, मतलब 25-50 नंबर भी हो सकता है याद हो यहाँ वहाँ के, मतलब वैसी पुरानी ही प्रैक्टिस चल रही है हमारी, मतलब ठीक है। तो हाँ, अभी बता रहा था मैं कि जैसे वैदिक संस्कृति में आ गया मैं, ऑलराइट, या बुद्ध काल या मौर्य काल, पहला 3 टॉपिक, अभी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा इसके बारे में। तो किसी भी काल को एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते कैसे हैं, अब क्या हुआ ये भाई, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो टच भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई काल हमने लिया, वैदिक संस्कृति हमने ली, तो हमने कहा राजनीतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। एक बात सबसे पहले आपको समझना जरूरी है यहां पे कि किसी भी काल में, चाहे हम बुद्ध काल हो, मौर्य काल हो, मतलब कोई भी काल हो, तो उसके 4 हिस्से होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस्कृतिक इतिहास, कल्चरल हिस्ट्री समथिंग डिफरेंट है, हिस्ट्री का वो एक पार्ट है। इन 10 के 10 टॉपिक का यदि हम सांस्कृतिक इतिहास जमा करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर हो जाएगा, वो एंशिएंट कल्चर हो जाएगा। मेडिवल के 4 मेजर यूनिट होते हैं, चारों के कल्चर हम जमा करते हैं तो मेडिवल कल्चर हो जाएगा। एकदम से एक बनी बनाई धारणा है कि आर्ट एंड कल्चर कुछ अलग है और हिस्ट्री कुछ अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री, ये इस तरह से बोलना भी मूर्खता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, मूर्खता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं गलती ना करेंगे बोलने में भी कम से कम, ठीक है। अभी एक बार लर्न कर लेना आपको कि भाई कल्चर जो है हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है वो, ठीक है। अब जैसे हमने क्या बताया कि पहले पीटी में 3 साल पहले जो सारे सवाल होते थे वो सांस्कृतिक इतिहास से ही पूछ लिए जाते थे, अब उसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से भी पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि सिलेबस कहता है पीटी में भारत का इतिहास, भारत का इतिहास का मतलब वो सब पढ़िए आप। मेंस का सिलेबस कहता है सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है, संस्कृतियों में विरासत, तो मेंस में आपके सवाल केवल इसी से, मेंस के जो सवाल होंगे आपके वो इस पे फोकस होंगे। किसी भी काल के 4 हिस्से हैं, 10 टॉपिक है तो उसके 4 हिस्से हो गए, 40 हिस्से हो गए,
ऐसे गिनती करो तो दो दो पांच पांच मिनट के भी हिस्से हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें एक हिस्सा आपका हो गया कल्चर, 10 टॉपिक है कल्चर आपने पढ़ा, तो कल्चर एंशिएंट कल्चर हो गया आपका। समझ में आ रही बात यहां तक सभी को? ऐसे ही मिडिवल में है, ऐसे ही मॉडर्न का, चूंकि मैंने पढ़ा दिया आपको, आधा से ज्यादा पढ़ा दिया कल्चर वाला खंड मॉडर्न इंडिया में, आधा रह गया है वो मैं कराऊंगा, एक क्लास में हो जाएगा आपका। जब मैं बताऊंगा तो फिर एक मॉडर्न कल्चर करके अलग से खाका खींच दूंगा। सिलेबस कह रहा है प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालीन संस्कृति पढ़नी है। यस, सिलेबस पहले। अब कैसे पढ़ेंगे क्रम भी बता दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई सांस्कृतिक इतिहास में हम क्या ध्यान रखते हैं, एक कला, जिसको हम कहते हैं ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। बेसिकली आर्ट कल्चर का ही एक पार्ट है, कल्चर के अंदर हम आर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कला में कई सारे पहलू आ जाते हैं, जैसे ये क्लासरूम बनी हुई है ना, ये आर्किटेक्चर हो गया आपका, स्थापत्य वास्तुकला, ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, और भी कला में संगीत है, नृत्य है, नाटक है, जो परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह होते हैं ना, संगीत, नृत्य, नाटक, शिल्प, संगीत, नृत्य, नाटक, शिल्प, थोड़ा इसको भी पेन चला लेंगे आप सभी लोग, है ना, इसको कर लीजिएगा नोट एक बार, इसी से तो आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन लिखने में। जैसे मैं कहूं कि हड़प्पाई कला के बारे में बताएं तो आप बताएंगे क्या, पढ़ा दूंगा, बट यही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। स्थापत्य कला, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, पेंटिंग, चित्रकला, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड क्राफ्ट, नाटक, शिल्प, संगीत, नृत्य, ठीक है। तो सांस्कृतिक इतिहास में एक तो हमें पढ़ना होता है कला, दूसरा बहुत खतरनाक होता है साहित्य। खतरनाक मतलब डरने वाली बात नहीं है, बट नाम वगैरह ध्यान रखने पड़ते हैं, इसमें फैक्चुअल है ये। कालिदास की 7 रचनाएं हैं तो भाई, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और विक्रमोस उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, 7 रचनाएं हो गई, ठीक है। भास के 13 नाटक है, घबराइएगा नहीं, 2 ही मिलते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शूद्रक के, विशाख दत्त के, हर्ष के 3 नाटक है, 20 तो नाटक हो गए अभी जस्ट हमने बात किया। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको, चूंकि साहित्य ना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 3 साल से किसी न किसी रूप में साहित्य से एक मेंस में भी प्रश्न आ गया है, और 3-4 साल से 5 साल से लगातार साहित्य से एक पीटी में भी प्रश्न आ रहा है। जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें से एक क्वेश्चन साहित्य से ही रह रहा है, वो तो साथ साथ मैं ट्रेंड बता दूंगा आपको, ठीक है। कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा, विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, ठीक है। तो अब ऐसे केवल सुन लीजिए, लिखना नहीं है आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा तब लिखिएगा। राजनीतिक इतिहास में क्या होता है, थोड़ा वंशावली, प्रशासन के बारे में, युद्धों के बारे में, साम्राज्य की सीमा के बारे में। आर्थिक इतिहास में क्या होता है, खेती, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प, सिक्के, शहर, परिवहन के साधन, जो पहले भी हमने बताए हैं। सामाजिक इतिहास में क्या होता है, समाज में अलग अलग वर्ण, वर्ग या जाति, दास प्रथा, छुआछूत जैसी जो कुरीतियां रही समाज में, महिलाओं की दशा, खान पान, पहनावा, आवासीय, ऐसे सुविधा के लिए सब बटा हुआ है। क्लियर ना सभी को? जैसे मान लो हम बुद्ध काल पढ़ेंगे तो बुद्ध काल में क्या पढ़ेंगे हम, राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक और
मौर्य काल में भी सेम चारों खंड पढ़ेंगे हम हर टॉपिक में, ऊपर के तीन में थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर यहां तक सभी को? तो 10 टॉपिक में ये आपको पढ़ना है ना, सांस्कृतिक इतिहास। अब देखो, एक संस्कृति और विरासत दो शब्द है, अभी बस आप इतना बैठा सकते हैं दिमाग में, बैठा लीजिएगा, विरासत तो ठीक से बैठ जाएगा संस्कृति में, कि संस्कृति जो होता है जीवन जीने का तरीका होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन। कल्चर क्या होता है, बहुत सारे डिफिनेशन है इसके, आप केवल इतना रखिएगा जीवन जीने का तरीका। जैसे हम सब, हमारी राजनीतिक सोच, व्यवहार और आदतें क्या हैं, हम सामाजिक अंतःक्रिया क्या है हमारी, आर्थिक गतिविधियों में किस तरह से हम अपने आप को हम ठीक है, और इन पक्षों को लेकर हमारा किस तरह का इंटरेस्ट हमें दिखाई। राजनीति हमसे है, समाज के अटूट हिस्सा हम ही है, अर्थव्यवस्था भी हमसे है, ये सब किसको रिफ्लेक्ट करता है, हमें रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ रही बात सभी को ना? ये चारों सेगमेंट तो हमसे ही है ना, लोगों से ही तो है, इतिहास पढ़े तो लोगों के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। क्लियर ना? कल्चर अपने आप में बहुत ब्रॉड होता है, उसमें राजनीति भी आ जाता है, समाज भी है, अर्थव्यवस्था भी है, और ये भी है। अब जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम, कि उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज हमें आज उतना प्रभावित नहीं करता है जितना हमें ये प्रभावित करता है। उस दौर के राजनीति के तत्व आपको आज बहुत विजिबल नहीं दिखेंगे, समाज की कुछ कुछ विशेषताएं तो दिख जाएंगी आपको, अर्थव्यवस्था की कुछ कुछ बेसिक चीजें पता भी नहीं चलेगा चलो उस दौर से हम। बट धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें हम, बौद्ध धर्म की बात करें हम, जैन धर्म की बात करें हम, थोड़ा पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में आएंगे तो इस्लाम धर्म की बात करें हम, सिख धर्म की बात करें हम, ज्यादा अंतर नहीं लगेगा आपको। जैसे आज जो हमारे धार्मिक व्यवहार हैं और उस समय धार्मिक व्यवहार थे, ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ना है। जो उस समय योग का तौर तरीका था, मेडिटेशन, योग वगैरह था, वो आज और ज्यादा फर्क नहीं है, उस समय का आयुर्वेद, आज का आयुर्वेद, बस उसमें जो विज्ञान के जो तौर तरीके थोड़ा बहुत वो सब अपनाए जा रहे हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है, जीवन जीने का तरीका। जैसे हम बोलचाल की भाषा में आज आपको हम कह सकते हैं कि अच्छा बताओ आज की राजनीतिक संस्कृति क्या है, 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, यानी राजनीतिक आदतें, राजनीतिक सोच, राजनीतिक व्यवहार, जिस पार्टी में टिकट मिल गया हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के, है ना? जैसे मान लो कल मुझे भाजपा में टिकट मिल गया, जो कि मुश्किल काम है, ठीक है ना? तो सपा में था यदि मान लो, तो मैं आज मतलब बस टिकट मिलते ही सपा की आलोचना शुरू, और भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वापस सपा में आ जाएंगे, नहीं गलती से मैं चला गया था भाजपा में। हम क्या देखते हैं, अवसरवादिता एकदम चरम पर है, लालच, सिद्धांतों की बलि, मतलब येन केन प्रकारेन सत्ता और पद हमें, तो राजनीतिक व्यवहार में दिखाई पड़ता नहीं, दिखाता आइडियोलॉजी का कोई रोल दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है क्या? करप्शन में इन्वॉल्वमेंट, ये सब पॉलिटिकल कल्चर का ही तो एक पार्ट बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो ये बैठा लीजिए आप, बाकी चीजों को छोड़ करके, अब कल्चर इन ब्रॉड सेंस हमसे ही है, चाहे राजनीतिक व्यवहार हो हमारा, सामाजिक व्यवहार हो हमारा, उसका रिफ्लेक्शन होता है, आर्थिक व्यवहार हो हमारा या अदर एक्टिविटीज हो हमारी। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में अदर एक्टिविटीज को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं हम, वो चीजें लगभग वैसे ही आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस, बस हम ध्यान नहीं देते उसे। यहां बैठे हुए सभी लोगों की कोई ना कोई एक जातिगत पहचान होगी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, ये जातिगत पहचान कैसे, ठीक है जन्म के साथ चली आई, इसमें हमारा क्या रोल है, माता पिता का जो धर्म है, जो जाति है, वो हमारी हो गई, इसमें तो अपना कोई चॉइस नहीं है ना।
तो उनके जो मैं पेरेंट्स थे वो आ गए दुनिया में, तो उनका चॉइस, ठीक है ना, ऐसे चॉइस तो है नहीं। तो ये कब से चला आ रहा है ये परंपरा, ये जाति की परंपरा, ये वर्ण की परंपरा, ये भेदभाव जैसी कुरूतियां, अमानवीय प्रथाएं? थोड़ा सोचेंगे ना तो पीछे की तरफ ले जाएगा हमें। शादी विवाह के तौर तरीके देखेंगे आप, जैसे जो अभी भी एक तरीका होता है नॉर्मली हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदू बहुल देश है, तो जो वधु पक्ष होते हैं वो वर का चयन, मतलब वधु पक्ष जो होते हैं वो वर का चयन करते हैं, ढूंढते हैं भाई, और फिर सब रिश्ते वगैरह तय होते हैं, फिर वर बारात लेकर के आता है, फिर वधु विदा, सात फेरे होते हैं, तमाम तरह के जो रिचुअल्स होते हैं। गोत्र के बारे में सुनते होंगे आप, ठीक है ना, अलग अलग ऋषियों से उसकी पहचान की जाती है गोत्र की, गोत्र मिलान होता है, ठीक है, एक गोत्र में शादी नहीं होती है, गोत्र बहिर्विवाह की बात होती है ना। आज के समाज में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे आप, जैसे मतलब प्रेम विवाह पे भी खूब चर्चा होती है समाज में, सामान्य सी बात शहरों में, अब ये शहरों के अंदर सामान्य सी बात अब हो गई है, उदारीकरण के दौर में बहुत खूब चर्चा इसमें विवाद होते थे, बट अब सामान्य सी बात शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नहीं कह सकते हैं हर जगह, बट चेंजेस आ रहा है। तो महिलाओं के प्रति तरह तरह के अपराध देखेंगे आप, तो प्राचीन ग्रंथों में भी एक टाइप ऑफ मैरिज का उल्लेख है, ब्रह्म प्रजापत आर्ष देव असुर राक्षस गंधर्व पैसाच, ऐसे करके आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। मैं कैमरा से बाहर चला गया हूं सरो, ठीक है, मैं कैमरे में आ जाता हूं। तो आप देखोगे ना, तो वो आठ तरह की जो विवाह के तौर तरीके हैं, जिसको समाज मान्यता देती है, जिसको समाज मान्यता नहीं देती है, ठीक है, जिसे आज अपराध की श्रेणी में रखते हैं, वो उस दौर में भी था, आज भी है। तो हम थोड़ा सा और ऐसे ग्रेजुअली देखना शुरू करेंगे हम, तो क्या होता है विकास क्रम में, जैसे हम तो जी रहे हैं ना, हम थोड़ी सोच रहे हैं कि हम किस काल में, हम तो बस अपने लाइफ को जी रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें आती है तो उसको अडॉप्ट करते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समाज के अलग अलग हिस्से हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम थोड़ी सोचते हैं कि हम इतिहास बना रहे हैं अभी बैठ करके। हम जैसे हम जीते हैं वैसे वैदिक और मौर्य काल में भी लोग जीते थे, ऐसा नहीं सोचे कि कुछ अलग दुनिया थी वो, हम एक अलग दुनिया है, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी किसी समाज का इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रही बात सभी को ना, उस दौर में भी नई चीजें समाज में आई, उसे अडॉप्ट कर लिया गया, पुरानी चीजें छूटती जाती हैं, फिर हम अडॉप्ट करते जाते हैं, सुविधा के लिए या कुछ डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर हम काल का विभाजन करते हैं, जिससे थोड़ी विभाजन ब्रेक करने से क्या होता है, चीजें दिमाग में फिट होनी शुरू होती हैं। जैसे अभी देखो 47 से लेकर हम बात करें तो एक नेहरू एरा कहा जाता है 64 तक, अब मॉडर्न इंडिया की किताबों में प्रायः नेहरू एरा तक के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको, हम जब पढ़ते थे या हमारे कुछ समय बाद तक 47 में ही आके इतिहास खत्म हो जाता था। नेहरू एरा के बाद 64 से फिर चर्चा होती है 91 तक की, पोस्ट नेहरू, और अब 91 से फिर अब उदारीकरण की बात होती है, 91 से उदारीकरण की बात होती है। थोड़ा और डिवीजन कोई करना चाहे इसको तो 91 से 2001 कर सकता है, जब अमेरिका पे, ठीक है ना, वो डिवीजन का तरीका होता है अलग अलग। अब 2001 से कोई चाहे तो 2019-20 भी कर सकता है, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। अपने जीवन काल में जब किताबें लिखी जाएंगी, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में आप सब भी देखेंगे, ये सब डिवीजन आपको दिखेगा। ठीक है, ये सब डिवीजन आपको दिखेगा। ऐसे ही ना सुविधा के लिए, मतलब या ट्रेंड में बदलाव के हिसाब से बांट लिया जाता है। जितना हम पीछे की तरफ जाते हैं ना, हमारे पास एविडेंस कम मिलते हैं उस काल को जानने का, तो उतनी समस्या है किसी काल को जानने समझने में। जितना हम करीब रहते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ लिया मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने, मॉडर्न इंडिया के पास और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, पग पग पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे वैसे वैसे है, लेकिन प्रामाणिकता नहीं है बहुत इन्फॉर्मेशन की। तो सोसाइटी ऐसे इवॉल्व करती आती है, उस दौर पुराने दौर की मध्यकाल की बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में प्रभावित हो रही हैं। सूफी संगीत के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना, मतलब बहुत सारे गायक हैं, और अक्सर आप गाना सुनोगे तो पता भी नहीं चलेगा
लगभग आइडिया रहता है, ये लोग गुनगुनाते भी रहते हैं थोड़ा बहुत। बाथरूम सिंगर तो लगभग सब लोग होते ही होते हैं, जो नहीं भी होते हैं दावे से मैं कहता हूँ ठंड में तो बाथरूम में नहाने गए तो गाना गाएंगे ही गाएंगे वो, क्योंकि पता नहीं क्या इसका साइंटिफिक रीजन है, वो मतलब बहुत लाउड भी गा सकते हैं वो। ठीक है, यस और नो? देखो सब कर, नहीं तैयार नहीं कि सर कहीं बोलना नहीं, अच्छा गा के सुनाओ। बहुत सी चीजें हैं, मतलब हम मेडिवल साइंस कल्चर की बात करेंगे, हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे उन चीजों को अडॉप्ट करके अपने साथ। यूपीएससी के क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में जो होते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में यदि हम अवेयर हैं अपने आसपास की चीजों से तो हम उसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू से बस पढ़ने का हमें वो तरीका रखना है, इन्फॉर्मेशन तो रहेंगे याद कर, पढ़ने का हमें वो तरीका रखना है जो हम पहले टॉपिक से ही हम उसको ग्रिप में लेना शुरू करेंगे। तो संस्कृति ब्रॉड सेंस में क्या होता है, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, साहित्य, सब चूंकि वे ऑफ लाइफ होता है। प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में हम इसी पे बल ज्यादा क्यों देते हैं हम, क्योंकि ये चीजें आज भी लगभग यथावत वैसे ही हमारे जीवन में थोड़े बहुत संशोधनों के साथ मौजूद है। क्लियर ना सभी को? इसलिए किताब में भी ऐसा डिवीजन होता है, तो हम पढ़ेंगे सबको, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम हर टॉपिक में, क्योंकि पीटी भी यही है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीटी में भी और मेंस में भी। बट रूल ऑफ एवरेज जो है हमारा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज पे भी हम काम करेंगे। विरासत जो होता है, जैसे मान लीजिए दादाजी जो छोड़ करके गए पिताजी को, पिताजी जो हम लोगों के लिए, हम अगली पीढ़ी को, मतलब एक भौतिक विरासत होता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त कहने का मतलब जैसे कोई मकान है, गाड़ियां हैं, जमीन है, सोने चांदी गहने जिसे हम छू सकते हैं, भाई हाँ ये सब संपदा है, ठीक है, कुछ भी और भी शेयर वगैरह कुछ भी जो जैसा, ठीक है, जो देखे जाते हैं। और एक होता है विचार, संस्कार, आदतें, ठीक है, जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए, समाज में, दोस्तों के साथ, महिलाओं के प्रति नजरिया, मतलब सारी आदतें जो व्यवहार, संस्कार, जो परिवार में जो शिक्षाएं होती हैं, है ना। दो तरह से हमें विरासत, ठीक है, अब अपनी बात करें, वैसे ही हर काल की कई ऐसी चीजें हैं जो बाद वाली काल में या हमें आज भी दिख जाती हैं। हमने मॉडर्न इंडिया भी पढ़ा है एग्जाम्पल के तौर पे, हम जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इस व्यवस्था की शुरुआत, प्रतियोगिता परीक्षा, सिलेबस, एग्जाम, शुरुआत किसने की? या अंग्रेजों ने की? एक मोटे तौर पे अंग्रेजों की विरासत है। हम जिस पुलिस की बात करते हैं वो अंग्रेजों की देन है, जिस सेना की बात करते हैं वो अंग्रेजों की देन है। संविधान के द्वारा शासन की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की, कानून के शासन की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की, समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन, भारत में शुरुआत अंग्रेजों ने की, पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई, चुनाव की परंपरा अंग्रेजों के समय शुरू हुई, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। हम कह सकते हैं ये सब राजनीतिक विरासत है अंग्रेजों की। समझ में आ रही बात सभी को ना? ये सब आधुनिक उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक परिवहन के साधनों की शुरुआत, बैंकिंग की शुरुआत सब ब्रिटिश काल में हुई, ये अंग्रेजों की आर्थिक विरासत है। क्लियर ना? विरासत क्या मतलब होता है, लिगेसी या हेरिटेज की बात करें हम, तो एक काल से दूसरे काल में और धीरे धीरे वो परंपरा जितना आगे तक या हमें आज तक देखे, आज तक पकड़ना ज्यादा आसान होता है हमें। संस्कृति एवं विरासत दो शब्द पे मैं थोड़ा चर्चा कर रहा था, आपको बता रहा था सिलेबस शुरू करने के पहले, है ना। संस्कृति, वे ऑफ लाइफ, क्या पढ़ेंगे क्लियर कर दिया, विरासत जब हम पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे जैसे वैदिक काल की कौन कौन सी चीजें आज हमारे जीवन में, बुद्ध काल की कौन कौन सी चीजें आज विरासत है, मौर्य काल की कौन कौन सी विरासत आज है, बाद के कालों में, और आज ऐसे करके हम देखते चले जाएंगे। हर काल की संस्कृति और हर काल की विरासत, यही है आपका सिलेबस मेंस का, और यही है सिलेबस आपका पीटी का।
10 टॉपिक ये, मेडिवल के 4 टॉपिक, 14 टॉपिक, बस 14 टॉपिक पे ये काम करना है आपको, है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पे। एक छोटी सी जानकारी और आपको देते हैं हम शुरू करने के पहले, जो कोई भी टॉपिक है हम पढ़ेंगे अब हम, तो इसके बारे में जानकारी सौरभ इधर एक बार चाय के लिए कहिएगा, है ना। कैमरे से बाहर हो गया था क्या फिर, मैं लग रहा था, ठीक है। असल में देखो बोर्ड है यहां तक, है ना, तो हम तो यहां से ही आगे बढ़ेंगे ना, हम बढ़ते हुए जाएंगे आगे तक हम, है ना, ठीक है। तो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, तो टेक्निकल टीम सुन रही होगी हमारी बात, है ना, तो कैमरे का रेंज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि कोई भी काल हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम जानते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर का ही पार्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं स्रोत से, सोर्स से। सोर्स दो तरह के होते हैं, यहां मैं समझा देता हूं आपको जरा एक बार। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। किसी भी काल को हम जानते हैं, जितने प्राचीन काल में, जैसे पाषाण काल, हड़प्पा काल। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, एक तरह से पुरातत्व हो गया वो विज्ञान है, वो विधा है, जहां हम भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो ये इमारत अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इसका यूज होना बंद हो जाए, ऐसे ही पड़ा रहा, धीरे धीरे देखो कि मलबे में बदल जाएगा, ये धूल धक्कड़ मिट्टी वगैरह पशु पक्षी सब मिलते हुए मलबे में, है ना। कभी 200-300 साल के बाद किसी को लगेगा कि हाँ भाई शायद ऐतिहासिक महत्व की चीजें हो सकती हैं इसमें, कुछ सुजीत सर का भी क्लास लेते थे यहाँ पे, है ना, अनुसंधान शुरू हो जाएगा, तो वो आएंगे धीरे धीरे। मतलब एक तरीका होता है उत्खनन का, ठीक है, वो ऊपर वाले हिस्से से फिर ऐसे करके एक सिस्टम होता है उनका, 5 फीट 60 फीट को एक लेयर मान लेते हैं, फिर अगले 7 फीट को एक लेयर, फिर अगले 7 फीट को एक लेयर, ऐसे करके मोटे तौर पर 10 फीट का सिस्टम है ना, 10 फीट यानी एक फ्लोर एक लेयर। उत्खनन करना शुरू करेंगे, वस्तुओं को निकाल निकाल के रखना शुरू करेंगे, बॉटल मिला, ग्लास मिला, मार्कर मिला, बोर्ड, पंखा, एसी, है ना, सब ऐसे करके रख लेते हैं वो। तो जो चीजें यहां से मिली ये भौतिक वस्तुएं हो गई। पुरातत्व क्या करता है, भौतिक वस्तुओं का काल निर्धारण करता है, किस काल का हो सकता है, उनका एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड, वो बहुत मान्य है वो, ठीक है, और एक मेथड होता है उनका जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी मेथड पे काल तय करते हैं, इस काल का हो सकता है, वो बताएंगे भाई कि ये जो क्लासरूम था ये मोदी एरा में था, ठीक है, ऐसे नामकरण किया जाएगा। शुरू के जो 3 टॉपिक है ना वो आर्कियोलॉजी पे ही चलेंगे, जो भौतिक वस्तुएं मिलेंगी, उस दौर का कोई साहित्य हमें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, आज की तरह कागज नहीं थे, आज की तरह पेन भी नहीं थे, अब तो ये तो अगले स्टेज में आ गए हम, ठीक है। उस समय क्या होता है, जैसे भोज पत्र हुआ करता था, तार पत्र हुआ करता था, हिमालय में जो बुर्ज वगैरह के जो वृक्ष होते थे उसके छाल को तैयार किया जाता था, जिस तरह से भी लेप वगैरह लगा करके, और उस पे हाथ से, इसको पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो मूल मूल प्रतियां जो किताब है वो सब वैसे ही चलती थी। पूर्व मध्यकाल में पहली बार कागज, मध्यकाल में कागज का प्रचलन ज्यादा होगा, तुर्कों के आने के बाद कागज का प्रचलन ज्यादा होगा, क्योंकि इतिहास के प्रति उनकी रुचि थोड़ी ज्यादा थी इस्लाम के साथ ही। पैगंबर साहब के समय से ही तारीख को रखने पे, रिकॉर्ड रखने पे बड़ा बल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब, तो साहित्यिक स्रोत यानी उस दौर की वेद या कोई भी रचना है तो बुर्ज पत्र पे, तार पत्र पे लिखी हुई हाथ से रचना है, वो किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट कराई हुई नहीं है। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत किसी भी काल को जानते हैं। चौथे नंबर से साहित्य की गिनती शुरू हो जाएगी, वहां वैदिक साहित्य आ जाएगा आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, अरण्य ग्रंथ आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, इसको वैदिक साहित्य कहते हैं।
बुद्ध काल में बहुत सारे साहित्य आएंगे, मौर्य काल में बहुत सारे साहित्य, हर दौर में कुछ कुछ साहित्य, 5, 7, 10, तो हम धीरे धीरे साहित्य भी पढ़ते चले जाएंगे। जब साहित्य मिलना शुरू होगा ना, तब हम उस काल के बारे में और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो काल कैसा था। जो पहला तीन काल है, चूंकि साहित्य को ऐसा मिलता नहीं है, तो जैसे मान लो अभी ये बोतल है, हम आज के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि बोतल पानी पीने के काम, उस समय कोई बोतल मिलेगी तो हम आज जी रहे ना बोतल, हमें क्या पता बोतल ठीक कोई धार्मिक महत्व रहा हो इसका, कुछ और महत्व, क्या महत्व रहा हो नहीं पता हमें। बट इंसान क्या होता है, एक से दूसरे तक तो ज्ञान पास करता ही जाता है ना भाई, तो लगता है कि हम इतना आगे आ गए, बट पुरानी चीजें भी अपने साथ हम कैरी कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई पूर्वजों का जिन निकाल लो आप, ठीक है ना, और डीएनए मिलान कर लो आप, तो बहुत सारे गुण विशेषताएं आपको, मतलब कई पुरानी पीढ़ी की भी मिल जाएंगी आपको। ऐसे ही विचारों में भी प्रवाहित होता रहता, तभी तो ये सब चीजें चली आ रही हैं। तो पहली बार में देखो अनुमान ज्यादा लगाते हैं हम शुरू के तीन टॉपिक में, तो कोई भी टॉपिक कैसे पढ़ते हैं हम, स्रोत के आधार पर। स्रोत के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप है, पुरातत्व और साहित्य, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे किताब में ना, तो पुरातत्विक साक्ष्यों से यह पता चला है, पुरातत्विक साक्ष्य में कभी लिख देंगे भौतिक अवशेषों से पता चला है, कभी लिख देंगे बर्तन से, कभी उपकरण से, ठीक है, कभी इमारतों से, ठीक है, कुछ भी, कभी धातु के किसी, जो भी चीजें मिल रही हैं, चाहे वो इमारत क्यों ना हो, ठीक है, ये कल्चर का पार्ट है, ये जो सोर्स है ये कल्चर का पार्ट है। सोर्स बेस क्वेश्चन भी मेंस में पूछे गए हैं, वो बहुत सिंपल है, जिस मेथड से मैं कराऊंगा सारा कमांड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दो तीन बातें, चार पांच बातें हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं जरा एक बार। सबसे पहले मैंने आपको कहां से शुरुआत करी अपनी बात की, नंबर वन, आपको याद होगा तो देखो पीटी में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का भी। एक पीटी में पुराना ट्रेंड क्या कहता था, नया ट्रेंड क्या है, कि पूरा पढ़ के जाओ। दो, क्लियर, मेंस में क्या पढ़ना है हमें, पीटी में पूरा इतिहास पढ़ना है हमें, मेंस में हमें संस्कृति वाले खंड को पढ़ना है। तीन, संस्कृति और विरासत क्या होता है, उसकी एक शुरुआती समझ आपको दी है, बढ़ते बढ़ते वो समझ बिल्ड हो जाएगा आपका। चार, एंशिएंट हिस्ट्री में कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये आपके सामने है। पांच, हर एक टॉपिक का बेसिस क्या होगा हमारा, सोर्स। छह, सोर्स क्या है हमारा, कल मैंने बताया था आपको, राम शरण शर्मा की बुक, आप बस किताब की दुकान पे कहिएगा राम शरण शर्मा की किताब, पब्लिकेशन थोड़ा उनका बदलता रहता है, एक समय में हमारे समय में ये एनसीईआरटी हुआ करता था, ये किताब चलती थी एनसीईआरटी के रूप में जब हम तैयारी करते थे, तो इसको ओल्ड एनसीईआरटी आजकल मतलब बोलचाल लोग बहुत भाषा में कहते हैं इसे। श्वेता ने पूछा सर सोर्स बता दीजिए, ठीक है, तो श्वेता को भी बता दिया हमने, सभी को भी बता दिया है ना, क्लियर सभी को ना, और क्लास लेक्चर और कुछ नहीं। एक मिनट का ब्रेक है, मतलब मेरी तरफ से एक मिनट का ब्रेक है, मैं चाय पीऊंगा बैठ करके आराम से, फिर मैं पाषाण काल की शुरुआत करूंगा। तब तक आप अपना कॉपी वॉपी थोड़ा बहुत पलटना हो, आप पानी वानी पीना हो आप भी पी सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, हम लोग अब पहले टॉपिक पे बात करते हैं, हम पाषाण काल पे। ठीक है, पाषाण काल से शुरू करते हैं हम। पाषाण काल टॉपिक का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि भारत में प्रारंभिक मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य हमें कब से मिलने शुरू होते हैं, कहां से मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक मानवों के बारे में भारतीय उपमहाद्वीप में जहां कहीं से भी मिलते हैं, जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो पत्थर के हथियार हैं। दुनिया में कहीं भी जो मानव की विकास यात्रा है,
शुरुआती दौर में उसके सर्वाइवल में पत्थर और उसके हथियारों की बड़ी भूमिका रही, पत्थर के अलग अलग उपकरणों की। कहीं भी जब हम इतिहास पढ़ते तो पाषाण युग कहते हैं। करीब करीब 4.5 अरब पुरा मतलब अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है पृथ्वी, और एक लंबी विकास यात्रा है जीवों की यहाँ पे बहुत लंबे समय में। जो आधुनिक मानव, जो हम लोगों की बात होती है, ठीक है, ये बहुत बाद में पृथ्वी पे, ठीक है, एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर करके इस अवस्था में आए हैं। अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसके, एक आदि मानव की चर्चा होती है, फिर आधुनिक मानव की बात की जाती है जिसमें होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस सेपियंस ऐसे करके, मतलब किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है, वो आप ऐसे जानने के लिए उसे देख सकते हैं एक बार के लिए। आप ये इसकी क्षमता खूब, सबसे ज्यादा जो लास्ट वाले मानव की खोपड़ी की क्षमता खूब रही है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, भारत में प्रारंभिक मानवों की उपस्थिति कहाँ कहाँ थी, जानकारी ही हम सब अनुमान उनके बारे में हम लगा पाते हैं पत्थरों के माध्यम से। इसलिए इस एज को ही हम कहते हैं स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग में हमें तीन बातें पढ़नी होती है, एक पत्थर के उपकरणों के बारे में, कौन कौन तरह के हथियार थे, टेक्निकल नहीं होना होता है हमें, दूसरा कहां कहां से इनके अवशेष मिल रहे हैं, कुछ प्रमुख जगहों के नाम, उसमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल है, और तीसरा कैसे ये सर्वाइव करते होंगे उस दौर में, जीवन यापन कैसे करते हैं, शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, इस तरह की मोटी मोटी बातें थी। तीन ही बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा जो काल है पाषाण काल, ये तीन भागों में बट जाता है जब हम पढ़ते हैं तो। एक है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, और फिर एक नव पाषाण काल, नियोलिथिक। पूरी अवधि की बात करें पाषाण काल की, तो 6 लाख ईसा पूर्व से मोटे तौर पे 2000 ईसा पूर्व, 6 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व पूरे पाषाण काल की बात करें। ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं ना सभी लोग, आइडिया है ना सभी को, जीसस के जन्म को एक मानक माना गया है इतिहास में। जीसस के जन्म की घटना से एडी एनो डोमिनी गिनती शुरू होती है, और जीसस से पहले को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं। जैसे आज हम लोग 2022 में हैं, ठीक है ना, तो हम लोग 6 लाख 2022 वर्ष पुराने इतिहास की बात करने जा रहे हैं। 6 लाख यहां से काउंट कर लिया, 2022 यहां से काउंट कर लिया, ठीक है। बीसी और एडी इतिहास है, बढ़ते हुए क्रम में वो गणना के लिए बीसी और एडी का यूज होता है। इसके जगह कुछ नए नए तरीके भी यूज हो रहे हैं, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, है ना, यूज किए जा रहे हैं। किसी को भी थोड़ी बहुत, जैसे मान लो लगे एक बार के लिए कि थोड़ा सा और कुछ जानना हो सरल शब्दों में, छठी क्लास की जो एनसीईआरटी वाली किताब है ना, बहुत यूजफुल किताब है प्राचीन भारत पे, जो एनसीईआरटी अभी चलती है। किस क्लास की, दोबारा से किस क्लास में जाना है आपको? हाँ, जितनी बातें हमने बताई वो सारी बातें पहले चैप्टर में वहां दी हुई है, और बहुत बीसी एडी सब समझाया हुआ उसके अंदर। तो 10-15 मिनट आधे घंटे लगेगा आपको उस चैप्टर को पढ़ने में, मैक्सिमम एक चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो उसको भी साथ में रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर ना सभी लोग? रामशरण शर्मा तो हमारा फेसबुक हो ही गया, वो पतली सी किताब है, ज्यादा उसमें टाइम लगना नहीं है। कोई भी चैप्टर जैसे हड़प्पा हम पढ़ना शुरू करें तो उससे एक बार हमने पढ़ लिया मुश्किल से आधा घंटा, इनफैक्ट वो तो रोज पढ़ के ही आया करें तो ज्यादा ठीक रहेगा क्लास के पहले। आर्य शर्मा का तो काम मेरे क्लास के बाद है, जब मैं समझा दूं तब ये समझ में आएगा आपको। क्लियर सभी को ना? वो भी अपने रख लीजिए प्लान में उसको आप, ठीक है।
6 लाख से 2000 ईसा पूर्व तक है, कहीं पे दुनिया में कहीं 8 लाख, कहीं 10 लाख, जैसे जैसे एविडेंस मिलते हैं लोग काल निर्धारण करते हैं उसका। पुरापाषाण काल इसमें सबसे पहला है। पुरापाषाण काल को माना जाता है मोटे तौर पर 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 या 12,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल को माना जाता है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 या 12,000 ईसा पूर्व। कभी भी कालखंड को लेके ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, क्योंकि शोध के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता है। अलग अलग किताबों में 10-20 हजार तो वैसे गैप क्रिएट हो जाएंगे, मतलब यहां तो आप एक दिन के अंतर में समस्या पैदा हो जाती है कि एक वर्ष ये ज्यादा हो गया कम हो गया। यहां तो 10,000 जैसे हमने कहा, 12,000 भी कुछ लोग मानते हैं, 10,000 भी मानते हैं, 2,000 साल भी इधर उधर कर देंगे तो गलत नहीं है इसमें। जहां अनुसंधान होते रहते हैं वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहां ट्रेंड के लिए समझना पड़ता है। नित्य नए अनुसंधान होते हैं, इसलिए कभी भी किसको माना जाए ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, बस समझना ठीक है। ये अवधि हो गई पाषाण काल की, पूरे उस इलाके, भारत वाले इलाके में सबसे पुराना यह है आपका पूरा पाषाण, क्योंकि बहुत लंबी अवस्था है ये भी, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसको भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, कभी कभी किताबों में मिलेंगे आपको, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। पैलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब हमें इसके काल वगैरह के बारे में नहीं जाना है, पहला 6 लाख से 1.5 लाख या 1 लाख ऐसे 35,000 ईसा पूर्व सब किताब में है, वो सब छोड़ दीजिएगा एकदम, बिल्कुल नहीं। एक ब्रॉड, दूसरा मेजर मेजर डिवीजन हो गया हमारा, इसके भी डिवीजन है, थोड़ी जरूरत पड़ जाती है इसकी, ठीक है। आप समझ लो अब तक की जीवन यात्रा में यदि हम मान लें कि हमारे पास 3,000 साल का व्यवस्थित इतिहास है, अब सोच लो 5,99,000 साल का व्यवस्थित इतिहास ही नहीं है हमारे पास। जब ऐसे देखोगे तो हम बहुत एक कम हिस्से को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हम ही नहीं दुनिया की बात है। समझ में आ रही है बात सभी को ना, ठीक है। एक बात हो गई, मध्य पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल के बाद, एक मध्य यहां भी, एक मध्य यहां भी है, ये मध्य इसका है, इसकी भी 3 अवस्था। ये मध्य पाषाण काल है आपका 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, और 9 पाषाण काल है आपका 7,000 या 6,000 ईसा पूर्व से, कहीं कहीं तो वैसे 1,000 ईसा पूर्व तक भी है, 2,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये तो डिवीजन सभी को क्लियर हो गया। काल विभाजन, पाषाण काल नाम क्यों पड़ा है, पत्थर के उपकरण जो है, भौतिक अवशेष। हमको जानकारी कैसे मिलेगी पाषाण काल के से, पुरातात्विक स्रोत से, केवल पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलेगी। हमें तो ये भी नहीं पता उस समय लोग बोलते थे नहीं बोलते थे, ठीक है, क्या बोली क्या भाषा, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। खैर एक बात हो गई, अब हमें तीनों के बारे में क्या पढ़ना है, तीनों के बारे में 3 बातें जाननी है। ये लोग किस किस तरह के पत्थर के हथियारों का यूज करते थे, ठीक है, एक हमें यह जानना है। दूसरा, इनके अवशेष कहां कहां से मिले हैं। तीसरा, ये जीवन यापन कैसे करते थे, एक काल से दूसरे काल में बदलाव दिखेगा, दूसरे काल से तीसरे काल में बदलाव दिखेगा, क्लियर ना, हमें यह जानना है। कोई भी विभाजन होता है तो विभाजन क्यों होता है, कुछ ना कुछ अंतर है। एक तो पत्थर के उपकरणों में अंतर है इसलिए विभाजन किया गया है, ठीक है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन होता है धरती की विकास यात्रा में, बहुत सारा ऐसा फेज, जैसे कि हिम युग आता है,
मतलब धरती के अधिकांशतः हिस्सों पे आपको स्नो दिखेगा और आज की तुलना में टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, एकदम माइनस में ही नहीं रहेगा हर जगह, बट बहुत कम रहेगा। फिर क्या होता है उसके बाद, कई कारणों से फिर वो हिमयुग धीरे धीरे, जैसे आज हम लोग रह रहे हैं उसमें हिमयुग नहीं कह सकते इसको हम, ग्लेशियर वगैरह काफी हैं आज भी, ठीक है ना। फिर ऐसा फेज आता है विकास यात्रा में, मतलब जो जियोलॉजिस्ट वगैरह बताते हैं, फिर बर्फ जो है हिम बढ़ता चला जाता है, फिर इंटरग्लेशिएशन का फेज आता है, ऐसे करके अलग अलग विकास यात्रा है धरती की, ठीक है। तो जो शुरुआती अवस्था है वो हिम युग की अवस्था है, पहला मैं लिखाऊंगा अभी आपको। धरती के अधिकांशतः हिस्सों पे मतलब बर्फ की मोटी मोटी परतें, ठीक है, वातावरण में ठंडक अधिक थी, तो जैसा वातावरण होता है हजारों लाखों साल तक, इंसान उसी हिसाब से, जानवर उसी हिसाब से, पेड़ पौधे पशु पक्षी उसी हिसाब से अपने आप को ढालने लग जाता है। तो डिवीजन क्यों होता है, पत्थर के उपकरणों के आधार पर और जलवायु के आधार पर, दो बेसिस होते हैं, ठीक है। अब आप लिखो शीर्षक दो, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में लिखें आप, कि सबसे पहले लिख लें आप भौगोलिक वितरण। पूरा पाषाण काल के बारे में लिखें पहला आप भौगोलिक वितरण, हमें कहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, भौगोलिक वितरण। यहां लिखें आप भौगोलिक वितरण पहला पॉइंट, कि भारत के एक बड़े भूभाग से या देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी जानकारी, देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी जानकारी ठीक है, अलग अलग हिस्सों से इसकी जानकारी, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, देखिए पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से, ठीक है। अच्छा एक और जान लीजिएगा बस शुरू में ही, कि जितने भी आपको अवशेष मिलेंगे ना किसी नदी घाटी से ही मिलेंगे। इंसान को सरवाइव करना है तो जल चाहिए, तो जल के स्रोत के आसपास ही उनके एविडेंस हमें। इस समय इंसान के सर्वाइवल के लिए ना दो तीन चीजें, एक तो जल चाह पानी चाहिए था उसे, दूसरा पत्थर के सोर्स उसके आसपास हो। तो जो भी एविडेंस मिलेंगे आपको, नदियां जो हैं उसके ऊपरी हिस्से पे अधिक मिलेंगे आपको, जो पठारी और पर्वतीय हिस्सा होता है, मैदानी इलाकों में नहीं। मैदानी इलाकों में तो आपको पत्थर मिलने से रहे, तो जितने भी एविडेंस मिलेंगे आपको, दो बातें, कोई ना कोई नदी घाटी, नदी का सोर्स होगा वहां, और वहां पत्थर की उपलब्धता, तो प्रायः वो पठारी पर्वतीय उन क्षेत्रों में मिलेंगे आपको। क्लियर ना सभी को, तो सोहन नदी घाटी हो गया। दूसरा लिखें आप कश्मीर में पहलगांव, कहीं पे जगह का नाम, कहीं नदी घाटी का नाम, जो जैसे जाना जाता है वैसे मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कश्मीर में पहलगांव। नेक्स्ट लिखें आप उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद मिर्जापुर वाले रेंज में आपको मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिखे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी,
नदी घाटी, यहां ब्रैकेट में लिख लें नर्मदा नदी घाटी के ब्रैकेट में, यहां भीम बेत का एक जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह है भीम बेत का, मतलब ये जगह है, यहां पे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली हैं, प्राकृतिक गुफाएं सब, वो 500 से अधिक, ठीक है, चित्रित शैलास रहे गुफाएं, वो किताब के अंदर है सब, परिचय दिया हुआ है आप, ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लिया है ना, आगे लिखें आप जरा, नेक्स्ट लिखें आप जरा, ठीक है, नोट करके लिख लें आप, राजस्थान, राजस्थान में जो चित्तौड़ का इलाका है वहां से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, राजस्थान में वहां पे, वैसे ही गुजरात में साबरमती माही नदी घाटी से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं, लिख लें आप राजस्थान, ब्रैकेट में कर लीजिएगा चित्तौड़, और भी है थार वगैरह का एरिया भी है ना, गुजरात लिख लें आप, ठीक है, कॉमा देख लिखें फिर आप, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी, प्रवरा, प्रवरा नदी घाटी, ब्रैकेट में लिख लेंगे जैसे इनाम गांव, कहीं कहीं मैं नदी घाटी का नाम या जगह का नाम दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत फेमस है, कभी ऑब्जेक्टिव के मकसद से कोई क्वेश्चंस वगैरह आ जाए, चांसेस कम है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, दो चार करके इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक जगह इनाम गांव जो कि बहुत फेमस है, पाषाण काल के अध्ययन के लिए बहुत फेमस जगह है इनाम गांव, ठीक है, इसी में लिखें आप, कर्नाटक, कॉमा देकर के लिखें आप, मद्रास, मद्रास में भी ना एक कोर्तलायर नदी घाटी है, वहां से बड़ी संख्या में इसके एविडेंस मिलते हैं, मद्रास में कोर्तलायर नदी घाटी से, ठीक है, नदी घाटी लिखना हो या छोड़ भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना, लिखें आंध्र प्रदेश, यहां गोदावरी एवं कृष्णा नदी घाटी दोनों से, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा इत्यादि कर दीजिएगा आप, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, दो तीन बातों को छोड़ के, भीमबेत का, इनाम गांव, पहलगांव, बस क्लियर ना, ये आपके समझने के लिए कि प्रारंभिक मानवों की उपस्थिति के साक्ष हमें भारत में कहां कहां से, भारत पाकिस्तान में, और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें रटना नहीं है कि यहां यहां, बस एक व्यू बनाना है आपको, पूरा पाषाण काल की बात कर, नंबर एक, अब चूंकि देखो ये लगभग 6 लाख साल का है, तो इंसान है तो 6 लाख में एक ही जैसा टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं करता है, बदलता रहता है जीवन में, हम लोग अपने जीवन में देखो आप, हम आप अपनी उम्र में देखें इतने कम समय में कितने सारे तकनीक अलग अलग चीजों में बदलाव आप देख रहे हैं, उस समय वैसा ही युग था तो पत्थर के उपकरणों में भी बदलाव दिखेगा, अब लिखो पत्थर के उपकरण, इसमें दो तीन पॉइंट हमें लिखना है, पहला पॉइंट लिखो आप, पुरापाषाण काल के पुरापाषाण काल के प्रारंभिक चरण में मूल पत्थरों का अधिकाधिक उपकरणों में उपयोग, मूल पत्थरों का अधिकाधिक उपकरणों में उपयोग
ठीक है, जैसे जो मूल पत्थर है प्रकृति ने जो दिया है, जैसे मान लो ऐसे एज इट इज है, इसी को यूज कर लिया हमने किसी ना किसी रूप में शुरुआती फेज में, पहला फेज जो है निम्न पुरापाषाण में। जैसे कुछ नाम लिख लें आप, यहां कुछ नाम लिख लें आप, इसको आप लिखिएगा तो देवनागरी में ही बट रोमन में, है ना, हैंडेक्स, जो नाम दिया गया है, चौपर, चोपर, चॉपिंग, इसमें से कुछ कुछ जैसे नाम आज भी हम लोग चॉपिंग वगैरह यूज करते हैं ना, टेबल, चॉपर, चॉपिंग, टेबल इत्यादि, ठीक है। तो शुरू में तो हमें इस तरह के हथियार मिलते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखें, मध्य पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल में लिखेंगे फ्लैक, फ्लैक या फलक या शल्क। फ्लैक ही याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी छोड़ दीजिए आप। मध्य पुरापाषाण काल में फ्लैक, बाकी छोड़ दीजिए आप, एक ही ठीक रहेगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है ना। फ्लैग फिक्स रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में पपड़ी भी है उसका, सल्क भी है उसका, मतलब बहुत इश्यू है ना, तो फ्लैग ही ठीक रहेगा इकट्ठे एक बार में, है ना। मध्य पुरापाषाण काल में फ्लैग का मतलब हो गया पत्थर का टुकड़ा, जैसे एक पत्थर हो गया, ये पत्थर हो गया, इस पत्थर से हमने दे मारा टुकड़ा निकाला, उस टुकड़े से फिर हम उपकरण बना रहे हैं। रहते रहते लगने लगा ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे बेहतर शिकार कर पाए, ठीक है, या शिकार जो भी हमने किया उसके खाल को खरोच पाए या उसे काट पाए, हम ऐसा क्या करें, या फिर जो वृक्ष वगैरह है उसका हम बेहतर उसको काट पाए या यूज कर पाए। हम इंसान के मन में आता होगा ना कि हम ये करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये पत्थर के उपकरण बताते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे अपने आप को बदलता चला गया है परिस्थितियों के हिसाब से। यही पैटर्न अफ्रीका में, यूरोप में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई पड़ता है, सेम पैटर्न, ठीक है। देखिए मध्य पुरापाषाण काल में फ्लैग के उपकरणों का निर्माण ठीक है, फ्लैग हो गया पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, यहां लिख लें आप, जैसे ब्लेड, ब्लेड पत्थर का वैसा टुकड़ा जिसमें दोनों तरफ धार रहता होगा तो ब्लेड हो गया, है ना, समझ में आ रही है ना। फ्लैग के उपकरणों का निर्माण जैसे ब्लेड, बोर, कुछ ऐसे करके, बोर, स्क्रैपर, छीलने के काम आता होगा, है ना, स्क्रैपर, ऐसे ऐसे पत्थर खुरचनी टाइप के मिले, जैसे आप खुरच के छील सकते हो किसी चीज को आप, ठीक है, हाँ कुछ मतलब अंदर डालना हो या, ठीक है, उस तरह से, तो बूर उस तरह से उस पॉइंट को, है ना, स्क्रैपर, ब्लेड, है ना, तो थोड़ा सा उन्नत दिखा रहा है आगे चल करके। आगे लिखें आप, जरा लिखे उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर के फ्लैग के साथ साथ हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष, हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष,
ठीक है, हड्डियों के उपकरणों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले मूल पत्थर के ही उपकरण थे, फिर क्या हुआ फ्लैग के उपकरण बनने लगे, फिर क्या हुआ फ्लैग के साथ साथ हड्डियों के भी उपकरण। जो हड्डियां हैं ये जानवरों की हड्डियां हैं, हड्डियां जो है वो जानवरों की हड्डियां हैं, वहां नोट करके लिख लें आप, जानवरों की हड्डियां इसी में लिख लेंगे आप। मानव जीवाश्म के साक्ष्य इस काल से नहीं मिलते हैं, मानव जीवाश्म के साक्ष्य इस काल से नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब गतिविधियों से तो पता है मानव, बट उनका कोई जीवाश्म हमें नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है बताना मुश्किल काम है। लिखो, हालांकि इसका अपवाद है, इसका अपवाद है नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा नामक स्थल से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य। हथनौरा नामक स्थल से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य, ठीक है, वहां से खोपड़ी मिली है। खोपड़ी के बारे में माना जाता है कि वो मतलब आदि मानव है कोई, मतलब आधुनिक मानव, होमो सेपियंस से पहले वाला कोई मानव रहा होगा, और वो विलुप्त हो गया होगा, मतलब कितनी बार आया गया कुछ भी नहीं पता है। हम जब से ठीक ठीक हैं, हमने समझना शुरू किया है, तब से हमने बहुत सारे चीजें तैयार कर ली हैं अपने लिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल है दिया जाता है। तो पहले फेज में हमें मानव जीवाश्म के साक्ष्य, पत्थर के उपकरणों से पता है कि मानव है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी पुरापाषाण काल में, एक तो भौगोलिक वितरण, गुजरात महाराष्ट्र हिमाचल मतलब तमाम जगहों से, कर्नाटक, ठीक है, आंध्रा मध्य प्रदेश सभी जगहों से, मैं तमिलनाडु, हर जगहों से हमें कहीं ना कहीं अवशेष, हमें दो चार पांच नाम हमने उसमें रख दिए हैं, जैसे भीमबेटका, पहलगांव, सुवर्ण नदी घाटी चूंकि बड़ा फेमस है, ठीक है, वहां पे तीन एक स्थल बड़े फेमस है, अड़ियाल, बड़वाल, चौंतरा, ऐसे ही मद्रास के में कोतलाय नदी घाटी में अतिरम्पक्कम, बड़मदुरे, गुडियम, पलवरम, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर अनुसंधान हुए हैं, मतलब ठीक है। खैर, उपकरण में बदलाव समझ में आ रहे सभी को, पहले फेज में पहले मूल कोर, फिर फ्लैग, फिर हड्डियां भी उसमें जुड़ गई, ठीक है ना। ऐसे ये बता रहा है उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में, और साथ साथ एक दो इन्फॉर्मेशन भी चल रहा है। अब उस काल में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, जीवन यापन कैसे करते होंगे, लिखें आप जरा, जीवन यापन। पहला पॉइंट लिखें, पुरापाषाण काल का संबंध पुरापाषाण काल का संबंध हिम युग या प्लाइस्टोसीन हिम युग, उसको नाम दिया गया जियोलॉजिस्ट के द्वारा प्लाइस्टोसीन, ठीक है। पुरापाषाण काल का संबंध हिम युग या प्लाइस्टोसीन काल से है। लिखे, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों से ढका हुआ था,
बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। तुलनात्मक रूप से तापमान कम था, टेम्परेचर कम था। तापमान कम था, स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव मानव के जीवन यापन समकालीन जीव जंतु एवं पेड़ पौधों पर इसका होगा या हुआ होगा, पेड़ पौधों पर हुआ होगा। देखो जैसी मतलब वातावरण होता है उसी हिसाब से सारे, जैसे मान लो अब बर्फ है तो घास तो बहुत सरवाइव कर नहीं पाएंगे, और जब घास नहीं है तो घास खाने वाले बहुत जीव जंतु नहीं सरवाइव कर पाएंगे। घास खाने वाले जीव जंतु थोड़े कम खतरनाक होते हैं, मांस खाने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। घास खाने वाले जीव जंतु देखोगे थोड़े कम खतरनाक होते हैं, मांस खाने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। एक चुनौती की बात की जाती है, ठीक है, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता था। तो अधिकांश से ढका हुआ था। आज भी जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे आज भी देखते हैं हिमालय के ऊपर वाले इलाकों में, वो सब पेड़ पौधों के बारे में अनुमान है, उस समय भी रहा होगा उस तरह के टेम्परेचर वातावरण में। आज से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर कम था, तो ऑब्वियस उस हिसाब से उसका प्रभाव दिखेगा आपको, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात, उस समय के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, पहला अनुमान लगाया हमने भाई जो प्रमाण के साथ है। अगला पॉइंट लिखो, देखो पुरापाषाण युगीन मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, फूड गैदरर था और हंटर था, मतलब है ना, क्योंकि इस समय कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो जीव जंतु हैं उसकी मतलब मारना, उसका शिकार करना और भोजन उसका लेना, या फिर जो पेड़ पौधे कंदमूल वगैरह जो है उसको खाना, चाहे जैसे भी इंसान उसको सरवाइव, क्योंकि खेती और पशुपालन के हमें कोई साक्ष्य इस समय नहीं मिलते हैं। ये टफ काम होता है थोड़ा अनुमान लगाना, ठीक है, कि कब मिले नहीं मिले, बट ये माना गया है साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, एक बात हो गई। अगला पॉइंट लिखें, शिकार अपेक्षाकृत बड़े जीव जंतुओं का, पत्थर के उपकरणों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है, पत्थर के उपकरणों तथा जानवरों के जीवाश्म से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगला पॉइंट लिखें, पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन
पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन, लेकिन शिकार एवं खाद्य संग्रह में परिवर्तन के भी संकेत हो सकते हैं। शिकार के तरीके एवं खाद्य संग्रह में भी परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं, ठीक है, खाद्य संग्रह में भी परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। आखिर तरीका बदला है तो इसका मतलब थोड़े छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा होगा। शुरुआती स्तनधारियों के बहुत साक्ष्य हमें मिलते हैं, मैमल के बड़ी संख्या में हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो छोटे जानवरों को ऐसा माना जाता है परिवर्तन के हिसाब से। अगला पॉइंट लिखिए आप, शिकार एवं खाद्य संग्रह के कारण प्रारंभिक मानवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ता होगा, ठीक है, जाना पड़ता होगा, क्योंकि संसाधनों के चूक जाने, समाप्त हो जाने संसाधनों के समाप्त हो जाने पर स्थान परिवर्तन उनकी मजबूरी रही होगी। ठीक है, लिखिए ताप, अगला पॉइंट लिखिए, तापमान में कमी के कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते होंगे। तापमान में कमी के कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते होंगे, ठीक है, जब 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चल रहा है तो 2-4-5-7 दिन खाना वैसे ही, मतलब फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रकृति ने ही फ्रिज बना रखा था। अगला पॉइंट लिखो आप, आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करते होंगे, समझ में आ रही बात है, सिंपल सिंपल यही सब बातें हैं जो हमें अनुमान कि कैसा रहा होगा जीवन। कच्चा मांस डाइजेस्ट कैसा होगा, देखो जैसा वातावरण होता है ना वैसा अनुकूलन हो जाता है, ठीक है, तो आप जैसे रहते हैं उसी में जैसे जानवर कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं कच्चा ही मांस, वैसे इंसान भी कच्चा मांस डाइजेस्ट करता होगा उस समय, ठीक है, जैसा वातावरण होता है जिस हिसाब से ढालोगे उस हिसाब से हो जाता है इंसान, प्रकृति जैसी होती है, ठीक है, तो उसके हैं प्रमाण, मतलब ठीक है, क्वेश्चन था बहुत गंभीर तरीके से कच्चे मांस का सेवन, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसका उत्तर मेरे पास नहीं होगा, मतलब वैज्ञानिक उत्तर तो मेरे पास नहीं मिलेगा आपको, है ना, बहुत, बट इंसान के बारे में कहा जाता है जैसे बायोलॉजिकली हम उस तरह से ट्रेंड है जहां हम मांस को हम खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, जो मांसाहारी नहीं हो इसको मतलब
दिल पे मत लीजिएगा, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है ना? आगे लिखें आप, ठीक है, कृत्रिम आवास के साथ, कृत्रिम आवास के साक्ष उच्च पुरापाषाण काल में अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। ठीक है, लिखे प्रारंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं में, रहते होंगे, ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, इस दौर में बर्तन बर्तन कपड़ों इत्यादि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बर्तन कपड़ों इत्यादि के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब जैसे दावे से नहीं कह सकते कि मतलब बर्तन वगैरह के एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है जानवर के जो खाल वगैरह होते होंगे उसको किसी तरह से यूज करते हों ठंड से बचने के लिए, ऐसा अनुमान है। कुछ कुछ पत्थर के मतलब सुइयों, जैसे सुई होता है ना चीजों को सिलने के लिए होता है, वैसे सुई के उपकरण मिलते हैं पत्थर के बने, शायद वो खालों को सिलने में वैसा यूज करते हो, नहीं मिलते हैं। लेकिन ना ही इनके सामाजिक पारिवारिक एवं धार्मिक गतिविधियों की कोई जानकारी मिलती है, ठीक है, नोट करके लिख लें आप यहां पे एक पॉइंट, हालांकि उच्च पुरापाषाण काल से भीमबेतका में चित्रों के प्रमाण मिलते हैं, भीमबेतका पे हम अलग से बात करेंगे हम भाषायुगीन चित्रकला पे आपसे, एक इंफॉर्मेशन के रूप में कि पहली बार चित्रों के साक्ष या थोड़ी बहुत कृत्रिम शैलाश्रय के साथ रहने की जगह के साक्ष उच्च पुरापाषाण काल से मिलने, यानी इसकी अंतिम अवस्था का आते आते मानव के जीवन में काफी सारे बदलाव हमें दिखने लगते हैं। तो ये है आपका पुरापाषाण काल में तीन पहलू, कहां से एविडेंस मिलते हैं, किस तरह के पत्थर के उपकरण हैं और वो जीवन यापन कैसे करते होंगे, ठीक है। अब लिखो मध्य पाषाण काल ये टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल का, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, एक बार भौगोलिक वितरण यहां भी देख लेते हैं हम लोग। भौगोलिक वितरण पहला पॉइंट है, भौगोलिक वितरण कहां से एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, देखिए आप शीर्षक दीजिए उत्तर प्रदेश, शीर्षक दे दीजिएगा, उसमें कुछ प्रमुख जगहों के नाम हम इसमें लेंगे हम,
उत्तर प्रदेश में एक लिखे आप, चौपानी मांडो अलाहाबाद में पड़ता है ये, चौपानी मांडो। यहां से लिख लो आप, बर्तन बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष। ठीक है, बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष यहां से मिलते हैं। ठीक है, दो चार ही ऐसे स्थल लेंगे जहां हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यूपी का ही है ये चौपानी मांडो, बेला नदी घाटी में ही है। ऐसे लिख लो आप, सराय नहर महदहा और दमदमा, ये सब यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है, अलाहाबाद के नजदीक है ये। सराय नहर महदहा दमदमा, सराय नहर के बारे में कहा जाता है, लिख लें आप यहां से, अध जली हड्डियों के साक्ष। बस एक छोटा सा प्रमाण है, जैसे अधजली का मतलब आग है इस समय ज्ञान। ठीक है, और वैसे कहा जाता है कि एक मानव कंकाल ऐसा मिला जैसे लगता है किसी ने उसको पत्थर से मारा हो। तो कुछ ऐसे विद्वान है जो कहते हैं कि हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। दावे से कहना मुश्किल है, बट कुछ लोग कहते हैं एक कंकाल है जिसमें लगता है कि किसी ने उसको पत्थर से मारा है। ठीक है, वैसे निशान मिलते हैं, तो ऐसा अनुमान है कि भाई हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य हो भी सकता है, जिला प्रतापगढ़ है वो। ठीक है ना, जो लोग यूपी से होंगे जानते होंगे, है ना। ठीक है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, कोई है क्या राजा भैया है क्या कोई? अच्छा ठीक है, होंगे फिर कोई। चुनाव अभी चल रहा था, स्पीच उसमें कि भाई उसमें कह रहे थे, दो तो चार दिन पहले देख रहा था मैं अभी, कि 4 दिन या 5-7 दिन पहले एक चुनाव हुई उसमें, विधानसभा वाले चुनाव में, कि भाई सवाल जीतने का नहीं है, चुनाव तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, सवाल इसका है कि पिछली बार आपने मुझे 1,04,000 मतों से जिताया है, तो इस बार आप उससे ज्यादा से जिताते हैं या कम से, सवाल इसका है। बट विधानसभा में 1,04,000 मत बहुत मायने रखता है। जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि जान का खतरा है। ठीक है, उन्हीं के बहुत सहयोगी थे, किसी ने बताया जब नॉमिनेशन फाइल हो रही थी, मतलब उसी समय उनको दौड़ा दिया गया, बट उस न्यूज को दबा दिया गया। पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा था कि जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो ऑलमोस्ट उसी समय उन पर अटेम्प्ट जो है ले लिया गया था, बट किसी तरह से वो जान बचा के भागे वहां से जो उम्मीदवार थे, कोई ऐसा कह रहा था, सच्चाई क्या मुझे पता नहीं, बट फिर ये न्यूज भी पब्लिश नहीं होता, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये है वो प्रतापगढ़। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल हो गया, लिख लें आप महदहा दमदमा, यहां लिख लें आप अंतिम संस्कार के साक्ष, अंतिम संस्कार के साक्ष यानी शवदान मिल रहे हैं, मतलब ये बदलाव है। ठीक है, यहां एक और लिख लेंगे आप, अगला पॉइंट लिख लेंगे आप, हड्डी के आभूषण दमदमा, हड्डी के आभूषण सिलबट्टे इत्यादि के भी साक्ष। सिलबट्टे सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, किसी न किसी रूप में उसकी यूटिलिटी आज भी है। इंसान है भाई, अब कुछ बेटर तरीके से खाना है, पीसना है, तो सिलबट्टे का यूज शुरू हो गया। ठीक है, आज भी लोग यूज करते हैं ना। और भी है यहाँ पे, मतलब महिला और पुरुष को भी एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं महदहा दमदमा से। तो ये यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लिख लें आप, भीमबेटका और आदमगढ़,
मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, राजस्थान में बागूर, राजस्थान में बागूर, ठीक है बागूर, ये जो बागूर है और आदमगढ़ है दोनों के साथ एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा दोनों के साथ, कि यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के, ये कहना मुश्किल है कि पहले किसको माना जाए, बट दोनों के बारे में लिखा हुआ है किताब में, ठीक है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप एक और इंफॉर्मेशन, संभवतः जो कुत्ता पालतू पशुओं में पहला जानवर रहा होगा, संभवतः, हाँ एनसीईआरटी में है, संभवतः कुत्ता पालतू पशुओं में पहला जानवर रहा होगा, छठी क्लास वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे आप सभी लोग, है ना, आर्य शर्मा पढ़ने के पहले, जो काम की बात याद रखनी वो तो मैं भी लिखा दे रहा हूं आपको, मेंस भी इसी पे आपका यदि आया उस दौर के कल्चर के बारे में तो आराम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, केवल इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, यहां से ये मिला, यहां से ये मिला, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है, डीके चक्रवर्ती हैं, मिस्टर अग्रवाल हैं, से बहुत सारे हैं, इग्नू का पूरा एक बुकलेट ही 70-80 पेज का इसके ऊपर है, तो बहुत सारी रीडिंग्स है, केवल इंफॉर्मेशन है, क्रक्स यही है उसका, ठीक है, मेंस की भी संभावना रहती है इसमें कि पाषाण काल में आदि मानव के मतलब जीवन यापन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विकास यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, खैर ये लिख लिया आपने राजस्थान, एक लिख लो गुजरात में एक जगह है बहुत फेमस है लांगनाच, गुजरात में एक जगह है लांगनज, बहुत फेमस जगह है ये लांगनज, बहुत विस्तार से इसका एक्सकेवेशन हुआ है, उत्खनन होता है, खुदाई जिसको हम कहते हैं उत्खनन, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी मिलती है मध्य पाषाण काल के बारे में, तो ये खूब चर्चित केंद्र है ये तो हमने बस जानकारी बढ़ाने के लिए आपको बताया, इसमें इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो, आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका, और चार स्थल हम अलग से याद रखेंगे, हम मतलब नाम नोट करके लिख लें आप, लिखें आप कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, इत्यादि क्षेत्रों से भी, इत्यादि क्षेत्रों से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, बाकी जगहों से भी मिल रहे हैं साक्ष्य में, जगहों के नाम वगैरह भी हैं, तो ये हो गया भौगोलिक वितरण, इससे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे आग है, अंतिम संस्कार है, सील बट्टे हैं, बर्तन है, पशुपालन है, ये सब क्या बताता है जीवन में इस काल तक आते आते बदलाव, इसलिए भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए यहां पर, ठीक है, अब आप लिखो जरा उपकरण के बारे में, देखो आप पत्थर के उपकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव, पत्थर के उपकरणों में एक महत्वपूर्ण बदलाव, देखो आप कौमा दे करके, अत्यंत ही सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण,
अत्यंत ही सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण। ठीक है, सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण, ब्रैकेट में लिख लो आप, इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है। इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है, छोटे छोटे कुछ सेंटीमीटर वाले उपकरण बन रहे हैं, फ्लैग के तो बन ही रहे थे आप, और भी छोटे छोटे उपकरण हो गए हैं। जानवर की हड्डियां तो हैं ही, मतलब उपकरणों साइज बहुत छोटा आ गया, कुछ वैसे हैं जैसे आप किसी को फेंक करके मार सकते हैं, आप चिड़िया वगैरह को भी आसानी से फेंक करके आप शिकार कर सकते हैं। कुछ नाम लिख लो, कुछ प्रमुख नाम लिख लो आप, ब्लेड, इस दौर में भी ब्लेड है, ब्लेड, ब्यूरिन, ब्यूरिन, कॉमा देकर के लिखो आप, ट्रायंगल, त्रिकोण के आकार के, मतलब ट्रायंगल जैसे बने हुए मिलेंगे आपको, अर्ध चंद्राकार, आधा जो चंद्रमा होता है उस शेप का उपकरण, ल्यूनेट, अर्ध चंद्राकार इत्यादि कर दो आप। एक और पॉइंट लिख लो इसमें नेक्स्ट करके, कि कुछ ऐसे उपकरण भी जिससे फेंक कर शिकार किया जा सके, कुछ ऐसे उपकरण भी जिसे फेंक कर शिकार किया जा सके, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तीर कमान तकनीक का विकास इसी काल में हुआ होगा। ठीक है, इसी काल में हुआ होगा, क्लियर। तो ऐसे एक अनुमान है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तीर कमान तकनीक, है ना, ट्रायंगल तरह के जो, नई बात क्या मिलेगी आपको, पत्थर के छोटे छोटे उपकरण, छोटे छोटे जीव जंतु को भी शिकार, क्योंकि वातावरण बदला है तो वैसे जीव जंतु का एग्जिस्टेंस होगा, तो अनुकूलन कहते हैं ना, जैसी चीजें बदल रही हैं उस हिसाब से इंसान अपने आप को जरूरतों के हिसाब से ढालता होगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, हम लोग लेंगे अब ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे जीवन यापन में क्या बदलाव आया। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मध्य पाषाण युग में भौगोलिक वितरण एवं उपकरण के बारे में। ठीक है, अब जीवन यापन में क्या बदलाव है उसको देखेंगे हम, है ना। लिखें आप जरा, जीवन यापन, आप मध्य पाषाण युग की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के साथ मानी जाती है। मध्य पाषाण युग की शुरुआत जलवायु परिवर्तन के साथ मानी जाती है। लिखें, हिमयुग, हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई, हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई, ठीक है, हिमयुग का अंत तथा तापमान में वृद्धि हुई,
जैसे हमने बताया एक प्राकृतिक कारणों से हिम युग आता है, फिर हिम युग समाप्त होता है, फिर हिम युग, तो दो हिम युगों के बीच को अंतर ग्लेस इंटरग्लेशिएशन पीरियड कहा जाता है ऐसे करके। तो अभी इस समय प्राकृतिक कारणों से ही हिम युग समाप्त हुआ, यहां ब्रैकेट में लिख लें होलोसिन की शुरुआत, होलोसिन, जैसे प्लाइस्टोसिन हमने बोला था ना, वैसे यह है होलोसिन, है ना, आर्य शर्मा में नाम दिया हुआ है। वैसे देखो ये सब तो जियोलॉजी की भाषा में से पढ़ते हैं हम, भूगर्भ का जब इतिहास पढ़ते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी के विकास की चार अवस्था मानी जाती है, चौथी अवस्था को चातुर्थकी या क्वार्टरनरी कहते हैं, अलग अलग चार अवस्था है, और चौथी अवस्था के दो पार्ट मानेंगे प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। प्लाइस्टोसिन माना गया है 20 लाख ईसा पूर्व से 10 या 12 हजार ईसा पूर्व, जो मैंने बताया, और उसके बाद का जो काल माना जाता है वो होलोसिन का काल माना जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के मकसद से। अब जब चीजें बदलेंगी तो उसी हिसाब से फिर जीव जंतु मानव के रहन सहन खान पान सब में बदलाव दिखेगा, ठीक है। लिखें आप जरा अगला पॉइंट, लिखें पूरा पाषाण काल की तरह, इस काल में भी मानव मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है, मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है, ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक है। हालांकि शिकार एवं खान पान के तरीके में परिवर्तन के कई संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें, छोटे छोटे पशुओं का शिकार पक्षियों का शिकार तथा बड़ी संख्या में मछली के हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, बड़ी संख्या में मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में मछली की हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक खास बात है मछली, मछली अपने आप में बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है, ठीक है, जो लोग मांसाहारी हैं मछली को मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं उसमें और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है माना जाता है, वो एक बड़ा उपयोगी चीज है वो, तो मछली का बहुत ज्यादा सेवन है इस समय जो एविडेंस मिल रहे हैं। ये बात हम छोटे उपकरणों के आधार पर भी कह सकते हैं, जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो नदियों में मतलब दोनों तरह की नदियां आपको दिखेंगी, बारहमासी नदियां भी दिखेंगी आपको और सीजनल नदियां भी दिखेंगी आपको, मौसमी नदियां भी दिखेंगी आपको, तो उसके स्रोत ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने लग जाएंगे अब, उसके स्रोत ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने लग जाएंगे अब। आगे लिखें आप, इस काल में आग के ज्ञान की भी जानकारी मिलती है, देखें इसका कई दृष्टिकोण से महत्व था, जैसे जंगली जानवरों से सुरक्षा, कौमा प्रकाश, पेड़ पौधों को जलाने इत्यादि में,
इत्यादि में, ठीक है, इसे में लिखेंगे खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था। तो जैसे आप आत्मरक्षा में, प्रकाश में, किसी इलाके को साफ करना हो, कई तरह से आप आग का यूज कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कभी जब वातावरण तापमान जब बढ़ा तो कई बार क्या होता है भाई, जो टहनियां होती हैं उसकी टकराहट या पत्थरों की टकराहट, चिंगारी, उस चिंगारी से किसी न किसी तरह से फिर आग का ज्ञान इन्हें जो है वो काफी उपयोगी रहा इनके लिए ज्ञान, ऐसा माना जाता है। उसमें खाने में भी आप किसी न किसी रूप में पके हुए भोजन का भी अब आप उपयोग, तो हमने बताया ना खान पान के तरीके में, शिकार में एक चेंजेस दिखाई पड़ेंगे आपको साक्ष्यों के आधार पर। तो आग का ज्ञान है इस समय, पहले वाले काल में नहीं है, तो उससे फिर जीवन में बदलाव भी दिखेगा। आगे लिखें आप, सिलबट्टे के ज्ञान से भी खान पान के तरीके में बदलाव के संकेत मिलते हैं। तरीके में बदलाव के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। हालांकि इस युग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हैं। जैसे पशुपालन, जैसे पशुपालन एवं मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य, ठीक है, ठीक है, यह नियमित विशेषता तो नहीं थी, या नियमित या स्थायी विशेषता तो नहीं थी, लेकिन इसने भी कुछ न कुछ मानव जीवन को प्रभावित किया होगा। इसने भी कुछ ना कुछ मानव जीवन को प्रभावित किया होगा, ठीक है। तो ये नौपाषाण काल में आपको नियमित तौर पे मिलेंगे हर जगह, यहां पे कहीं कहीं मिले, लंगनाज में मिले हैं कुछ बर्तन, चौपानी मांडों में मिले हैं बर्तन, ऐसे मिल रहे हैं हमें, पशुपालन की एक दो जगह से साक्ष्य मिल रहे हैं। तो अभी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मतलब पशुपालन क्या होता है, आप देखो कि सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होता है, खास करके उन पशुओं की जिनकी ब्रीडिंग ज्यादा हो, जो दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन भार वस्तुओं को यहां से वहां ले जाना हो, सवारी करनी हो, मतलब इंसान को जाना हो, तो पशुपालन जो होता है मल्टी यूटिलिटी, ठीक है, खेती और पशुपालन जो है मतलब एक पूरक प्रक्रिया है, खेती में उसकी उपयोगिता है ना, इससे फिर जीवन बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, इसके एविडेंस तो मिलते हैं बट नियमित विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, इस काल में कृत्रिम आवास के साक्ष्य भी बहुतायत में मिलने लगते हैं।
बहुतायत में मिलते हैं। जो आवास वगैरह हैं लकड़ी के, मिट्टी के, मतलब वो सब नष्ट वाली अवस्था में, कोई उस समय का बना हुआ नहीं है वो, जैसे खंभों को गाड़ने की कोई जगह है, किसी तरह से सुरक्षित रह गया है मान लो, ठीक है। तो आवास के भी आपको एविडेंस यहां मिलने शुरू हो जाते हैं, ये जो दौर है आपका, ठीक है, कृत्रिम आवास के मिलते हैं। लिखो साथ ही, साथ ही परिवार प्रथा, परिवार प्रथा, अंतिम संस्कार, संगीत, नृत्य इत्यादि के साक्ष्य भी भीमबेतका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। इत्यादि के साक्ष्य भी भीमबेतका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। साक्ष्य भी भीमबेतका के चित्रों से प्राप्त होते हैं। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखें। हालांकि इस दौर में भी मानव उपभोक्ता है ना कि उत्पादक, अतः संसाधनों संसाधनों की कमी की स्थिति में या फिर शिकार के लिए स्थान परिवर्तन या फिर शिकार के लिए स्थान परिवर्तन करते होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप खेती और पशुपालन तो कर नहीं रहे ना कि आप एक जगह टिक के रह पाए, स्थान परिवर्तन करना आपकी मजबूरी, ठीक है, जहां भी कुछ महीने रह लिया, कुछ साल रह लिया, ऐसी वजह से भी रही होगी, है ना, ठीक है। तो ये है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की तुलना में आप देखोगे जीवन बेहतर तो होगा जब आग का ज्ञान है, छोटे छोटे पशु पक्षी का शिकार, उसमें रिस्क कम है, और आप देखो पशुपालन बर्तन इन सब की दिशा में झोपड़ी वगैरह बना रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे उन्नत जीवन की तरफ। बट अभी भी हम नहीं कह सकते कि स्थायी जीवन एकदम रहा ही होगा, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रहते, चेंज तो करना ही पड़ता था उन्हें, मतलब। हाँ पूछिए। और बस यही है ना, और कोई सवाल है इसमें? हाँ 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 क्वेश्चन है कि जो चीजें हमें मिली हैं भौतिक अवशेष के रूप में, उसे हम 100% सत्य तो नहीं कह सकते हैं, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था भाई, जब लिखित रूप से कुछ मिल नहीं रहा था, हम दावे से तो कह नहीं सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तरीके होते हैं किसी चीज के निर्धारण के, और कुछ अनुमान, एकदम ऐसा नहीं कि वो असत्य है, ठीक है। तो ऐसे ही इतिहास लेखन होता है प्राचीन काल का, जो है ना अनुमान, आप जब किताब पढ़ोगे तो देखोगे इसके आधार पर विद्वानों का यह मानना है, ऐसा प्रतीत होता है, संभवतः ऐसा लगता है, शायद ऐसा रहा होगा, संभवतः शायद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से हर पैराग्राफ की शुरुआत या अंत किसी भी किताब में यह भी बताने के लिए पर्याप्त है। तो दावे से तो कोई इतिहासकार भी नहीं कह रहा है ना, बट जो है वो काफी हद तक वैज्ञानिक है, ऐसा भी नहीं कि एकदम काल्पनिक बातें नहीं है, ठीक है ना, वो चीजें मिल रही है। बहुत सा वैसा जीवन आज भी प्रिमिटिव ट्राइब्स जो होते हैं ना, आदिम, जैसे आज भी इंडिया में करीब 75 के आसपास प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो माना जाता है पाषाण कालीन तरीके से ही अपना जीवन यापन
वहां भी आप अध्ययन करके तो देखोगे, पाओगे कि ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ 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 नहीं, ये बात तो मैंने कह दी ना, तो उसमें हमें क्या करना है जा करके? ये बात तो मैंने कह दी कि भाई शायद हम इसका यूज करते होंगे या नहीं, तो हम कैसे कह दें बोतल का क्या यूज रहा होगा उस समय? तो मैंने भी कह दी ये बात। तो हमें अनुसंधान तो करना ही नहीं है ना, हमें हमें जो अनुसंधान करके दिया गया हमें उसे ऑर्गेनाइज करना है। मन में क्यूरियोसिटी आ रही है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका पुरातत्व विज्ञान विभाग जो है बड़ा मतलब डेवलप है, डीयू का भी बहुत डेवलप है ना, दोनों जगह बहुत अच्छा अनुसंधान होता है, आप बताइए तो मैं, यही ठीक है ना? तो एक दो उत्खननकर्ता को भी मैं जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट सभी है जो एक्सकर्वेशन वगैरह कर रहे हैं आप, तो वो बताएगा कुछ मैं, ठीक है ना? ये तो है ही ना, मतलब पहली जैसी तो रहती ही है, ठीक है, बट एक तार्किक विकास क्रम भी है। जैसे किसी भी दौर में, आज का युग है हमारा, देखो हम स्पेस की बात करते हैं, हम करते हैं ना स्पेस में बहुत सारी चीजें, आज एक तरफ बहुत उन्नत तकनीक है, बट आप देखो कि हम अपने जीवन में आदिम तकनीकों का भी तो यूज करते हैं ना, हम सिलबट्टे आज भी बहुत जगह यूज होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद है सिलबट्टा, या आपने देखा होगा ओखली, समझते हैं मूसल ओखली है ना, ठीक है, उसका भी नौपाषाण काल में साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, तब से लेकर उसकी आज तक। तो ऐसा नहीं कि उसका वैज्ञानिक आधार नहीं, जो शुरू में हमने कहा बहुत सारी ट्रेडिशन जो हमारे लिए यूजफुल होती है वो चली आती है, ठीक है, जिसका जीवन में महत्व तो रह जाता है, किसी तकनीक की जगह दूसरा तकनीक ज्यादा सरल होता है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और किसी की उपयोगिता बनी हुई है, चाहे कितना भी मिक्सी आ गया, बहुत लोग अभी भी सिलबट्टे पे खाना पसंद करते हैं, ठीक है, मिक्सी का कितना भी यूज कर लीजिए आप, पता नहीं क्या क्या आ गया है, मतलब और आवाज ऐसे ही करती रहती हो, है ना, किचन में, ठीक है, बट सिलबट्टे का भी यूज तो जिसकी यूटिलिटी रह जाती है वो रह जाता है ना, हमारे किचन में भी, हमारे जीवन में भी। तो प्राचीन और मध्यकाल को यूपीएससी ऐसे ही पढ़ने समझने के लिए कह रहा है कि कैसे कैसे हम इवॉल्व किए, कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में, आज हम कैसे बने हैं, ठीक है, उस विकास यात्रा को। इसलिए तो हम लोग कहां से क्या मिला उन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस हैं, मतलब मुझे लगता है कम से कम केवल पाषाण काल में 110-115 साइट्स, हम लोग जब हिस्ट्री ऑप्शनल में कराता था तो मैप पे कराता था मैं, क्योंकि 9-10 तो मैप यही पूछ लेता है केवल पाषाण काल में, ठीक है, तो ऐसे तथ्यात्मक भी थोड़ा पढ़ना होता है इसको, बट नो ना, हम और उसके टेक्निकल एक्सकेवेशन वगैरह में भी हमें नहीं जाना कैसे होता है क्या होता है, मोटी मोटी बातें किताबों में दी हुई हैं कि ये होता है, वही हमें रखना है। लेकिन जो शुरू में हमने बताया कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो चीजें हैं, आर्कियोलॉजी में जो भी चीजें मिलती हैं उन सब को कल्चर का पार्ट माना जाता है, उसके बेसिस पे ही उस दौर की सोसाइटी, इकोनॉमी और राजनीति, धर्म, कला का हम, तो पहला तीन टॉपिक में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ही कल्चर है। जैसे स्टोन एज कल्चर कहा जाता है उसको, और इस पे अनुसंधान करने में या तो आर्कियोलॉजी का रोल है या फिर एंथ्रोपोलॉजी का रोल है, जो भी चीजें मानव उपयोग में ले आया एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी उसे कल्चर ही कहते हैं। एक मैंने अपने तरीके से बताया आपको कल्चर, शुरू में वे ऑफ लाइफ, मेरा जो अपना खुद का तरीका होता है कोई भी चीज बताने का, जिसको हम थोड़ा परसीव कर पाए, जिसको हम समझ पाए, हम कुछ भी पढ़े तो जब तक उसको हम थोड़ा विजुअलाइज और समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आता है। आर्कियोलॉजी की भाषा में कल्चर जो कुछ मिला, एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कल्चर मानव ने जो कुछ यूज किया, तो इस टॉपिक का नाम ही है पाषाण युगीन संस्कृति, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, समझ में आ रही है बात? तो कल्चर के ना से बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो सब हमारा काम ही नहीं है, हमें तो बस एक आज आज के अर्थों में कल्चर क्या है पहले तो हम ये समझ लें। किताब की तो बात की है, यूपीएससी का मतलब होता है पहले प्रैक्टिकल जीवन में देखना कहाँ है कल्चर, इसलिए शुरुआत ही हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में करी।
अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, ठीक है, उस तरह से फिर बात शुरू करी हमने ना, तो मन में ऐसे उत्सुकता आएंगे, ठीक है, मतलब कोई दुराय नहीं, ऐसे उत्सुकता आएंगे, ठीक है, पहली बार कहाँ कैसे, मतलब कुछ कुछ प्रश्नों का थोड़ा बहुत कुछ एस्टैब्लिश्ड आंसर नहीं है, मतलब ऐसे ही चलता है ये, जिसको थोड़ी समझ हो जाती है हिस्ट्री के ना, जैसे हिस्ट्री कईयों के लिए बड़ा आसान हो जाता है मेंस वगैरह में भी, उसका रीजन यही है, जो एक बार तथ्यों से खेलना सीख लेता है, जब उसको पता ही है कि शायद संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, बात बनानी है हमें, ये 20 पॉइंट्स मिल गए हमें, तो ऐसा थोड़ी कि आर्य शर्मा ही बात बना सकते हैं, बात तो हम भी बना सकते हैं, तो एक बार के लिए लगता है कि बहुत कुछ है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन में जो लोग अच्छा करते हैं उसके यूजेज को समझते हैं तो वो लोग अच्छा करते हैं, जो फंस जाता है ना चक्र में, तथ्यों के जाल में जो लज गया, ठीक है, जो उसके यूजेज को समझ गया, अच्छा ऐसे बात बनानी है, ये बात लिखना है, अब इसमें बहुत सारी बात लिख सकते हैं हम, उनके धार्मिक विश्वास में वारण नहीं कर सकते, भाषा लिपि नहीं मिली है, एक पॉइंट, ठीक है, पारिवारिक संबंधों सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ नहीं कर सकते हम, सामुदायिक जीवन, अभी ये डबल हो जाएगा जितना मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि आगे उसके बारे में हम कहना शुरू कर देंगे, जिसके बारे में आगे कह रहे हैं और जिसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं उसको हम रिवर्स कर देते हैं, याद होगा अंग्रेजों ने जो नहीं किया हमारी सरकार ने वो किया, हमारी सरकार ने जो किया अंग्रेजों ने वो नहीं किया, आगे जो मिलने शुरू होंगे जो नहीं मिल रहे उसको हम, ये भी नहीं मिलता था, ये भी नहीं मिलता था, तो 600 वर्ड ऐसे थोड़ी लिखवा देते थे हम स्टूडेंट्स को जब हम राइटिंग करवाते थे लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो भाई इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख, आइडिया का ना बहुत बड़ा रोल होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हम कैसे उसको पकड़ें, कैसे प्लान करें किसी भी टॉपिक में, और फिर तो एक बार ट्रैक पकड़ में आ जाएगा, आप सब भी ग्रेजुएट हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी भी सबकी ठीक ठीक है, आप बस किताब पढ़ोगे तो आपको सेंस आना शुरू हो जाएगा तुरंत, लिखक लिख कैसे रहे, और इन सब टॉपिक में तो कुछ करना भी नहीं है आपको, जितना मैं करा रहा हूं वही करना है आपको भी, कहीं कहीं पे पढ़ने की थोड़ी बाध्यता मैं दूंगा आपको, तो अब देखो पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल भी हम क्या कह सकते हैं, शिकारी और खाद्य संग्राहक, आखेटक और खाद्य संग्राहक है, नवपाषाण काल जो है ये शिकारी और खाद्य संग्रह के साथ साथ कृषि और पशुपालक भी है, जहां खेती और पशुपालन होगा वहां जीवन में एक जगह रुकने की संभावना बढ़ जाएगी, वहां अस्थायित्व देखा, वहां थोड़ी आवासीय परंपरा दिखेगी आपको, जब आप एक जगह रहेंगे आप तो आप चाहेंगे कि भाई खाद्यान्न के जैसे पशुपालन से आप रह सकते हैं, जैसे पशुपालन की बहुत सारी उपयोगिता है, खेती से आप रह सकते हैं, आपने कोई फसल लगा दिया, कोई फल की समझ हो गई, ठीक है, तो आप उस पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे ना, हट तो सकते नहीं वहां से कि आज हमने बीज बो दिया और चलते कहीं और घूम के आते हैं, फसल हो जाएगी, है ना, अब जब वहां रहेंगे तो आपको वैसे उपकरण भी चाहिए आपको पत्थर के, धीरे धीरे इंसान उसकी तलाश करेगा, उन पत्थरों की पहचान कर लेगा इंसान, जिसको थोड़ा रगड़ कर घिस कर हम धार दोबारा पैदा, अब तक तो था यूज एंड थ्रू चल रहा था, ठीक है, मेडिकल मास्क की तरह, है ना भाई, जैसे मास्क हम लोग यूज करते थे ना, खरीदा और छोड़ गया बीच में, ना वैसे ही चल रहा था भाई, अब इंसान वैसे पत्थरों को लाके जमा करना शुरू कर देगा, ठीक है, और पानी के सोर्स के आसपास ही रहेगा वो, ज्यादा दूर तो जा ही नहीं सकता वो, ठीक है, थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ेगा इंसान का, तांबे का प्रयोग सीख लेगा वो, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, तो थोड़ी बहुत मैदानी इलाकों में नदी से थोड़ा बहुत दूर भी वो, ज्यादा दूर नहीं, जहां उपज बेहतर हो सके, ये सब ऑब्जर्व करके करेगा ना इंसान, अब यहां उपज तो पहाड़ी इलाकों में कितनी उपज होनी है, पहाड़ी इलाका आपने कभी घुमा होगा तो जहां थोड़ा बहुत मौका मिल जाए, जहां थोड़ा सा वो लैंड सपाट जैसा एरिया होता है, समतल एरिया होता है, वहां लोग बस जाते हैं, बसावट वहीं दिखेगी आपको, घाटियों में दिखेगी बसावट आपको, या ऊपर वाले हिस्से में जहां कोई समतल एरिया होता है, इंसान वहां देखोगे आप कभी नोटिस करोगे सीढ़ीदार खेती का सिस्टम, ठीक है, वो ऑब्जर्व करोगे तो कभी ऐसे इंसान को लगा होगा कि भाई जैसे कहीं खेती कर रहे हैं जहां पे पत्थर नहीं है वहां उपज ज्यादा हो जा रही है, जहां पथरीली है वहां उपज हो नहीं पा रही है, ठीक है, उसी ऑब्जर्वेशन में कहीं वैसी मिट्टी दिखी होगी वहां डाला होगा ऑब्जर्वेशन ज्यादा हुआ, आसपास तलाश में बढ़ेगा फिर देखेगा चलो यहां खेती करते हैं,
ये टोटल ऑब्जर्वेशन है, कई पीढ़ियों का परिणाम है ये ज्ञान। आज सारी सुविधाएं नहीं होती, इंसान सर्वाइवल के लिए संघर्ष करता रहा है। ये पिछले 200-250 वर्षों में सर्वाइवल के बियॉन्ड इंसान सोच रहा है। वो भी औद्योगिक क्रांति के पहले क्या था, मैक्सिमम लोग खेतिहर समाज ही था, संयुक्त परिवार ही होता था, सब मिलकर खेती में हाथ बटाते थे। तभी तो 15-15-20 दिनों का विवाह उत्सव हुआ करता था। टाइम कैसे कटेगा भाई, 20 दिनों का होगा विवाह, 5 दिन दामाद जी रहेंगे, 5 दिन बेटी, ठीक है। अब इतना टाइम हो गया कि बस वो 2 मिनट के लिए कोई आ जाए, अच्छा ऑनलाइन ही विश कर दे रहे हैं, ऑनलाइन ही कार्ड भेज दे रहे हैं। पहले फूफा को बुलाने ना जाओ तो फूफा आते नहीं थे विवाह में। तो जैसा समाज वैसा कल्चर, जैसा दौर बदला, पूजा पाठ चल रहा है तो मतलब वैसे हिसाब से संस्कृति डेवलप हो रही है। अब फटाफट हो गया, अब ऑनलाइन दर्शन हो जाते हैं, आप ऑनलाइन दे दीजिए, ऑनलाइन दर्शन कृपा आ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है ना। इंसान इतना जल्दी में कहीं गुजर रहा है, मंदिर मस्जिद कहीं से भी फटाफट, ठीक है बस माफ कर दीजिएगा, बस हम निकल रहे हैं जल्दी में, ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्वेशन, हर चीज शुरुआती प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, रफ्तार पकड़े हैं औद्योगिक क्रांति के बाद, जीवन बदल गया है। अभी खेती तक आते आते फिर अगला 1000-1500 साल वैसा ही चलेगा, और खेती से जब औद्योगिक समाज में हम शिफ्ट हुए हैं ना, उसके बाद बहुत तेजी से गेम चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से ही लोगों ने मतलब लर्न किया, ऐसा नहीं कि एक जगह का ज्ञान कहीं और गया है, ये सब हम अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जैसे आग की खोज हुई है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से ही आएगा ना, किसी ने देखा चिंगारी, 2-4 बार और किसी को दिखा होगा, फिर उसने उस तरह से किया होगा, ठीक है, पत्थरों से या फिर जो टहनियां होती हैं उसके बीच में, है ना, फिर कहीं आग उसने लगा दिया होगा, भाई इसको बुझने नहीं देना है, फिर उसकी एक समझ बनाई होगी, जब चाहे तब हम आग बना सकते हैं, हम तो आप इसको बुझा दो। कहने का मतलब इट्स ए प्रोसेस। क्यों, जो पत्थर के उपकरण, जो हम पत्थर के उपकरण का जो यूज कर रहे हैं हम, उसमें भी तो हम वैज्ञानिक सोच लगा रहे हैं ना, ठीक है। इंसान जहां से दिमाग लगा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आग की खोज से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत, पत्थर के उपकरणों से भी कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। पुरापाषाण काल की तुलना में क्या बदलाव आया है ना, अब लिखे नवपाषाण काल, नियोलिथिक, फिर एक बार हम लोग लेंगे भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण में नवपाषाण काल की अवधि हमने क्या बताया, 7000 से 2000, कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व तक। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सब जगह एक जैसा कालखंड नहीं होगा ना, कहीं बहुत पहले है, कहीं बहुत बाद में है, जैसे जैसे मानव समुदाय उसको इवॉल्व करता गया है। देखिए भौगोलिक वितरण में पहला पॉइंट लिखे आप, देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में लिख लें आप कुछ पॉइंट। पहला लिखें आप कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, यहां लिख लें आप गेहूं, जौ, कपास, इसको प्राचीनता माना गया मेहरगढ़ को, और भी एक दो इलाकों में शोध वगैरह हुई है, बट इसी को माना जाता है प्राचीनतम अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में। ये ना ईरान की सीमा से लगा हुआ है, मेहर बलूचिस्तान ईरान की सीमा से लग जाता है, पाकिस्तान में देखोगे आप, तो जो ईरान बलूचिस्तान जो है ना, मतलब वो समझ लो
प्राचीनतम साक्ष्य लेकर के आ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाके में खेती का, ठीक है, 7000 बीसी के आसपास यहां प्रमाण मिलने लगते हैं। यहीं पर लिखो आप, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, कच्ची ईंटों के प्रयोग, इत्यादि के भी साक्ष्य नोट करके लिखो यहां पे आप कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती मेहरगढ़ से सीखी होगी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती मेहरगढ़ से सीखी होगी। मेहरगढ़ से सीखी होगी, एक ऐसे, ये सब फैक्चुअल ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो एक प्रमाण हो गया हमारे पाकिस्तान वाले इलाके में फेमस, कश्मीर में दो जगह बहुत फेमस है, ये सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं यूपीएससी में। मेहरगढ़ यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है जीएस में, भी सबसे पहले खेती का प्रमाण या क्या मिला है वहां। तो जो अनाज भी मिल रहा है उसमें गेहूं और जौ को प्राचीनतम माना गया जो मिलता है, इनफैक्ट कई लोग जौ को ही प्राचीनतम कहते हैं उसमें। तो जो पहला अनाज है वो लोगों ने संभाल कर रखा, जौ बहुत उपयोगी भी होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिसका इतना महत्व है जीवन में उसका धार्मिक महत्व भी हो जाता है, पूजा पाठ में भी देखोगे आप, ठीक है ना, श्रद्धा से भी लोग उसको बहुत महत्व देने लगते हैं, मतलब तो जीवन में इतना महत्व होता है, ठीक है। अगला लिखो आप, कश्मीर में बुर्जोहोम एवं गुफ कराल, बुर्जोहोम एवं गुफ कराल, यहां लिखिए आप, दोनों ही स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास यानी गड्ढा खोद कर रहने के साक्ष्य, पिट ड्वेलिंग। दोनों ही स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य, ठीक है, लिखो, पत्थर के उपकरणों के साथ साथ, बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरणों के भी प्रमाण, बहुत आयत में मिले हड्डी के उपकरण, जहां है वहां पत्थर के उपकरण ज्यादा मिलेंगे नहीं, ये जो जगह है। एक और लिखें आप, बुर्जोहोम में, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, एक इंफॉर्मेशन है, चीन में ऐसी बहुत परंपरा थी, हो सकता है चीन से ही ये परंपरा किसी न किसी रूप में यहां आ गई हो। ऐसे कम एग्जाम्पल मिलते हैं भारत में, मतलब माना जाता है कुत्ता बहुत प्रिय रहा होगा या जो भी हो रीजन, ऐसा कुछ क्लैरिटी से कहना मुश्किल काम है उसके लिए, ठीक है। साक्ष्य, मेहरगढ़ की बात हमने करी, कश्मीर में बुर्जोहोम और गुफ कराल की बात करी। अगला नेक्स्ट लिखो आप, विंध्य क्षेत्र में, यूपी की बात कर रहे हैं, विंध्य क्षेत्र में कोलडेहवा,
कोल्डिहवा से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि नवपाषाण काल जाना जाता है खेती के लिए मिलनी और पशुपालन के लिए, तो खेती के जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं पहली बार उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप बिहार में एक जगह है चिरांद और एक जगह है सेनुवार। चिरांद के बारे में लिखेंगे आप, हिरन के हड्डी के उपकरण चिरांद के बारे में लिखेंगे हिरन के हड्डी के उपकरण यहां पत्थर के उपकरण नहीं मिलने, केवल हड्डी के उपकरण। और कौमा देखे लिखेंगे आप, मैदानी क्षेत्र में स्थित, चिरांद जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सेनुवार में लिख लेंगे चना एवं मूंग की खेती के साक्ष्य। चना एवं मूंग की खेती के साक्ष्य, ठीक है। लिखें एक और नीचे लिखें, उत्तर पूर्वी भारत में गारो पहाड़ी क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया, ये जो हिली एरिया आपका गारो पहाड़ी क्षेत्र में मारू तारू एक जगह है। ठीक है, कौमा देखे लिखे मरक डोला इत्यादि स्थलों से भी नवपाषाण युगीन साक्ष्य। ठीक है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में मस्की, कोई भी नाम में कठिनाई होगी किताब पढ़िएगा आपको नाम दिख जाएंगे सारे मैप पे भी, है ना। मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकली हल, इत्यादि स्थलों से साक्ष्य। यहां नोट करके लिखें आप कि पिकली हल से राख के टीले के प्रमाण, ऐश माउंड के प्रमाण, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। पिकली हल से राख के टीले के साक्ष्य, और लिख लो आप ब्रह्मगिरी से रागी की खेती के साक्ष्य। लिखें आप तमिलनाडु में, लिख लें आप एक आध जगह का नाम, तमिलनाडु में पयम पल्ली
ना भी नाम ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नौपाषाण काल में कुछ रहना चाहिए। पयम पल्ली, ठीक है, एक टेरी समूह करके भी है बट लिखने की जरूरत नहीं है उसको, पयम पल्ली, ठीक है। तथा लिखो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, उतनूर, उतनूर इत्यादि। अब जैसे कुछ कुछ, जैसे मान लो नागार्जुन कोंडा है, ये कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे भी नागार्जुन कोंडा का नाम कई बार आएगा, अमरावती नागार्जुन कोंडा भी आगे पढ़ेंगे हम। अभी लास्ट अभी एग्जाम अभी जो हुआ था यूपीएससी का, पीटी का, उसमें चार स्थल थे, चार नदियों के नाम थे। तो आप जब पढ़ते जाइएगा तो थोड़ा बहुत तो मैप को भी ऐसे देखने की आदत है, याद रखने के लिए फोर्सफुली नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा पढ़ना कुछ है नहीं अलग से आपको। तो पढ़ा थोड़ा, मैप देखा उसको, जितनी बातें बैठी। प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी इससे मेहरगढ़ पे ही सवाल आया है, एक दो बार पहले, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि तीन स्थल पूछे गए थे और तीनों को मिलाने के लिए पूछा गया था। उसमें एक स्थल का संबंध आपका हड़प्पा से था, एक स्थल का संबंध आप मतलब उस एक नौपाषाण काल से था, एक संबंध आपका बुद्ध काल और मौर्य काल से था। तीनों का जिक्र आर्य शर्मा की किताब में है, बट वो क्वेश्चन बहुत टफ था, मतलब ऐसा नहीं कि सामान्य क्वेश्चन था, बट इस बार पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया भी। तो ये सामान्य रूटीन में हम लोग इसे लेके चलते हैं कि नहीं, कुछ कुछ आइडिया हो, पढ़ते रहिए आप, आइडिया रखिए आप। वैसे प्रश्नों में कभी आपसे बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है, कोई किसी को एडवांटेज नहीं मिलेगा, डोंट वरी, है ना। इतना कोई नहीं पढ़ सकता है कि आप सारे स्थलों पर, है ना। लोकप्रिय लोकप्रिय स्थल हम पकड़ते चल रहे हैं कि ठीक है ये है, ये मिला है, उससे भी प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, कहां से क्या मिल रहे हैं। अब लिख ले उपकरण, आप उपकरण के बारे में जरा, देखें कि नौपाषाण काल में पूर्ववर्ती उपकरणों का प्रचलन साथ ही लिख लीजिएगा आप, ज्यादा अच्छा होगा इंग्लिश में ही, सेल्ट एक्स सेल्ट एक्स कुल्हाड़ी, है ना, इत्यादि उपकरणों का बहुतायत में प्रचलन, है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख लें, इस काल में पत्थर के उपकरणें पॉलिशदार या घर्षित, होती थी। ठीक है, पॉलिशदार या घर्षित होती थी। तो दोबारा से उसमें आप धार पैदा कर सकते हैं, ये एक चेंज आया। अब देखो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, हर काल में उपकरण में कुछ ना कुछ नए बदलाव। अभी समय क्या है, खेती और पशुपालन नौपाषाण काल की विशेषता है। जब हम जीवन यापन पढ़ेंगे तो इसी के कारण कई बार इसे नौपाषाण क्रांति भी कहते हैं। जीवन बदल जाएगा इसके कारण, आप एक जगह रहने लग जाएंगे, स्थायी आवास, लंबे समय तक आवास, जनसंख्या भी, जब खाद्यान्न की उपलब्धता होगी जनसंख्या भी बढ़ेगी, ठीक है, फिर आगे चल के ग्रामीण समाज की तरफ आप जाएंगे, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे जीवन में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है नौपाषाण काल। अब फर्दर चर्चा मैं आगे वाली क्लास में ही करूंगा, कल क्लास है ना हम लोग की, तो कल वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है।
आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दिया आपको, पीटी मेंस, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो 10 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला टॉपिक हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत है, कल हम बात कर लेंगे आपसे। हाँ बोलिए। लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ भी दावे से हम कह नहीं सकते, हम व्यवहार के बारे में हम तभी कह पाएंगे जब हमें कोई साहित्यिक, बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ इंसान निरंतर जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, हम इंसान धीरे धीरे अस्थाई आवास की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इंसान जो धीरे धीरे अस्थाई आवास की तरफ बढ़ रहा है, जरूरतों के हिसाब से नए नए शिल्पों, जैसे इस समय क्या देखेंगे नौपाषाण काल में, हम चक्के का ज्ञान, कुम्हार के चाक का ज्ञान, ये सब भी हमें दिखाई पड़ेगा, है ना। तो उसी के आधार पे जो हम कह सकते हैं, ठीक है, अलग से तो हम वैदिक काल के पहले बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, पाषाण काल के अवशेष भी हमें कम मिलते इसलिए ज्यादा नहीं कह पाते हैं, हड़प्पा के अवशेष ज्यादा मिलते हैं तो हम अवशेषों के आधार पर कुछ उनके बारे में हम बता सकते हैं। पाषाण काल के अवशेष, एक समस्या ना उत्खनन की भी होती है ना, उत्खनन बहुत महंगा होता है, अब आप सोचो सरकार अब विकास पे ध्यान दे या उत्खनन, साथ साथ चलता रहता है उत्खनन भी, उत्खनन बहुत महंगी प्रक्रिया है, ठीक है, तो अनुसंधान के लिए बजट बनता नहीं, इतना दिया गया, फिर अब तय होता है कि कहां कहां करना है, तो थोड़े बहुत, ये तो थोड़ी थोड़ी जानकारी के आधार पर है ये जानकारी, अब इतनी जरूरतें हैं हिंदुस्तान में कितना उत्खनन करेंगे वो, है ना। उत्खनन में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, जैसे मान लो ये पूरा क्लासरूम है, ये मलबा बन जाए कभी टिले के रूप में, माउंड के रूप में, तो एक होता है हॉरिजेंटल की पूरे क्लासरूम का ही कंप्लीट उत्खनन किया जाए, लाइन से ऊपर से शुरू होगा टॉप नीचे तक, एक होता है वर्टिकल, किसी एक जगह पे इतने हिस्से पे ही तय कर लिया गया, एक बड़ा सा हिस्सा मतलब इसका, और वहीं पे नीचे हम लेयर बद, अच्छा यहां से ये मिला है, यहां से ये मिला है, अब मान लो केवल यहां उत्खनन होगा तो उसे बाथरूम का तो पता चल ही नहीं पाएगा उत्खनन करता, क्योंकि बाथरूम भी यूज करते होंगे, समझ में आ रही है बात, प्रैक्टिकल यही होता ही है। तो अब जो मिला उसके आधार पे हमने अनुमान बना दिया, तो इतने सारे हमारे किचन के चाय वाले बर्तन हो तो मिलेंगे नहीं उत्खननकर्ता को कि चाय भी बनते होंगे, और ऐसा ही होता है, तो वर्टिकल हम ज्यादा करते हैं पैसे की कमी के कारण। सोचो ना हड़प्पा के करीब करीब 3000 के आसपास 2800 से ज्यादा स्थल हैं, और टोटल एरिया को मिला लिया जाए तो मतलब 3% 4% भी एक्सकेवेशन नहीं हो पाया है, जितने एरिया उसका 1.5% 2% भी नहीं हो पाया है, ठीक है। बट एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जो पुरापाषाण युगीन अनुसंधान की भारत में शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों के समय हुई है, अंग्रेजों का जैसे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ये है कि बहुत सारे कल्चर को उन्होंने सहेजने का भी काम किया उस दौर में, वो ज्ञान अपने साथ भी ले गए और जो यहां छोड़ दिया हमारे लिए भी वो सहेज कर उन्होंने, तो जो भी अजंता है, जितनी भी सब गुफाएं स्तूप वगैरह हैं, सब शुरुआती अनुसंधान तो अंग्रेजों के समय ही हुआ ना, उन सबको रखा गया संभाल करके। पर ना जैसे कोई चीज पड़ी हुई है, मान लो मुझे बगल में घर बनाना था, अच्छा यहां ईंटें हैं, चलो निकालो ईंटें लगा लिया हमने, तो मॉडर्न एरा में जो यूरोप है ना उसने दुनिया को रास्ता तो बताया ही है, पश्चिम यूरोप जो है, तो जब हम कभी कभी बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं अंग्रेजों के बारे में, है ना। कल मैं आपको कह रहा था एक जरा वो गवर्नर जनरल के लिस्ट के बारे में और उस बारे में, तो एक हैंडआउट तैयार है आपको, सर अच्छा आ गया है, हाँ अच्छा आपने देख भी लिया, गुड ठीक है, क्लास के बीच में ही आया क्या, भैया अपडेट हो एकदम, वेरी गुड ठीक है, उसको ना सपोर्ट के रूप में यूज करिएगा आप। और जिन गवर्नर जनरल के बारे में हमने कहा है, जैसे फेमस फेमस आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में ऑलरेडी, जैसे कॉर्नवालिस है या वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है, 8-10 जो नाम, लिटन, रिपन, कर्जन, बस जो फेमस नाम है उतना ही, बाकी बस वैसे ही कभी किसी का नाम आ गया तो चलो देखते हैं ये कार्यकाल है उसका, इस समय घटनाएं घटी थी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइएगा देने का, मतलब है कि आपको नहीं एकदम याद रखना है, नहीं, रूल वही है, क्लास नोट्स, पुराने पेपर और फिर पेपर, रूल मत बदल दीजिएगा, मुझे याद दिलाना पड़ता है, अचानक से आपको क्या लगा अच्छा ये मैटर है, इसको पढ़ते हैं, आप 1 घंटा पढ़ के देखिए फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप आज,
ना ट्रांसेंड कर पाएंगे ना मॉडर्न लगेगा क्या कर दिया हमने, तो ये बताना ज्यादा जरूरी होता है कई बार मुझे, है ना। मेन मेन गवर्नर पे ही नजर रखिएगा उसमें, और थोड़े बहुत कभी किसी का मन किया अच्छा मिटका मुक्तिदाता चलो देखिए उसका कार्यकाल क्या था, ऐसे रेफरेंस के लिए। रेफरेंस का मतलब रेफरेंस ही होता है, वो रेफरल होता है, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, मेन एजेंडे में, मेन एजेंडे में आपका वही सब होगा, डलहौजी, करजन, ठीक है, दोनों हेस्टिंग्स जो था आपका, है ना, कॉर्नवालिस था, क्लाइव था, विलियम बैंटिक था, जो नाम हमने लिया 8-10 बस वही, लिटन, रिपन, जिसके बारे में काफी कुछ हम बता भी चुके हैं, वही 10। वो जब चाहे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, कुछ जानकारी आपके पास ऑलरेडी हमने करा दी है, उसमें नए नए इन्फॉर्मेशन होंगे, ऐसे ही गो थ्रू कर लीजिएगा जब मन करे, कभी कोई एक को पढ़ लिया, कभी कोई एक को पढ़ लिया, ऐसे, है ना। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है जल्दी, फिर कल हम लोग, है ना, मिलते हैं। थैंक यू।